कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और अब स्टार्ट करते हैं कस्टम रिवीजन का पार्ट टू, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आगे यूज होंगी, उसका मीनिंग समझना है कि क्या है उन डॉक्यूमेंट्स का मतलब और आखिर उसको कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि इसका आगे आपको बहुत जरूरत आने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल या फिर डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, तो आखिर ये क्या होता है बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल या फिर डिलीवरी ऑर्डर? उसके लिए देखिए कुछ मैंने हेडिंग्स बना रखी हैं जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और ऐसे कौन प्रिपेयर करता है, अगली बात इसको कब बनाया जाता है, ठीक है, या फिर इसकी फाइलिंग कब की जाती है और किस तरीके से इसकी फाइलिंग की जाती है या प्रिपेरेशन होती है इसकी, और अगला कंटेंट इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल ऑफ लेडिंग की। तो बिल ऑफ लेडिंग एक एविडेंस होता है एज टू टाइटल ऑफ गुड्स का, यानी कि जो गुड्स शिप हो रहे हैं, जो गुड्स वेसल द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा रहे हैं, उस गुड्स का असल में मालिक कौन है, इसका टाइटल किस व्यक्ति के नाम पर है, उस चीज का एविडेंस होता है, उस बात का सबूत होता है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, दूसरी बात, द डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप गुड्स आपके डेस्टिनेशन पोर्ट पर आ जाता है तो उसको जब आप कस्टम अथॉरिटी से छुड़ाने जाते हो, उसको क्लियर कराने जाते हो, तो इस डॉक्यूमेंट को आपको शो करना पड़ता है और इसके बिना गुड्स की क्लियरेंस नहीं ली जा सकती है। ठीक है, और अगली बात लिखते हैं इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से बात रहेगी जो लिखा हुआ है और ये मतलब इसको पढ़ के उतना कुछ क्लियर नहीं होता, तो आखिर आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसीजर क्या होता है इसके पीछे। तो मैं आपको बता दूं, मान लो आप इंडिया में हो और आप एक इम्पोर्टर हो, ठीक है, और आपने गुड्स मंगाना है कहां से, सपोजिंगली यूएसए से आपको गुड्स मंगाना है, तो एक्सपोर्टर आपका यूएसए में बैठा हुआ है और आप इम्पोर्टर हो, आप इंडिया में गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है साहब। तो उस केस में सबसे पहला आप एक्सपोर्टर से कॉन्टेक्ट करते हो, उससे कहते हो कि साहब मुझे इंडिया में गुड्स चाहिए, वो कहता है ठीक है साहब मैं गुड्स को पैकिंग वैकिंग करा के आपको इंडिया में डिस्पैच कर दूंगा। ठीक है, कैसे करेगा, वो वेसल के थ्रू आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक्सपोर्टर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको वो अपना पैकिंग वैकिंग करके जहां कहां पे ले आता है, ओरिजिन पोर्ट पे, यानी कि यूएसए के पोर्ट पर ले आता है। ठीक है, यूएसए के पोर्ट पर ले आने के बाद जब मास्टर ऑफ वेसल उस गुड्स को अपने वेसल में लोड करता है, तो जब वो लोड करता है तो उस समय वो एक एक्नॉलेजमेंट देता है एक्सपोर्टर से, एक्सपोर्टर को, कि देखो एक्सपोर्टर आपने मेरे वेसल में अपना ये गुड्स रखा है और मुझे ये गुड्स यहां ले जाना है। बात समझ में आती है, यानी यूएसए के एक्सपोर्टर की डिटेल उसमें होगी। ठीक है, कौन कौन सा गुड्स उसने रिसीव किया है उसकी डिटेल होगी और ये गुड्स कहां को ले जाया जा रहा है उसकी डिटेल होगी, यानी इंडिया में जो इम्पोर्टर है उसकी डिटेल होगी। ठीक है, तो फाइनली ये गुड्स किसको बिलोंग करता है, ये बात कहां लिखी होगी, बिल ऑफ लेडिंग में साफ साफ लिखी होगी। बात समझ में आती है, तो बिल ऑफ लेडिंग का एक बहुत अच्छा नाम है जिसे, जो हिंदी का नाम है, लेकिन अगर वही लिखा हुआ था तो ये सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या नाम है उसका, उसे बिल बोलते हैं हिंदी में कप्तान की रसीद। ठीक है, तो जहाज का जो कप्तान होता है, जो वो एक्नॉलेजमेंट देता है, उसे ही बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। और ये बिल ऑफ लेडिंग टर्म यूज किया जाता है इन द केस ऑफ वेसल, और वही एयरवे बिल बन जाता है इन द केस ऑफ एयरक्राफ्ट, और वही डिलीवरी ऑर्डर बन जाता है जब आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है लैंड रूट से। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी बातें आती हैं। दूसरी बात देखिए साहब, दूसरी बात लिखते हैं इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब है इसका, कि देखो साहब ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं एक बात बता दूं, बिल ऑफ लेडिंग एक नेगोशिएबल यानी ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। इससे क्या होता है, देखिए साहब मान लीजिए कि आप इंडिया में हो, सेम सिचुएशन जो पहले मैंने ली थी, अब आप इंडिया में हो, आप इंपोर्टर हो, आपने गुड्स मंगाया और सपोज आपको उसी गुड्स के, अभी गुड्स आपका पहुंचा नहीं इंडिया पे और वो आपका पानी में ही है, यानी वो शिप से आ रहा है। ठीक है, और इसी बीच में आपको उन्हीं गुड्स का अच्छा प्राइस मिल जाता है। ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं, वो भी पानी में ही है, हाई सीज में है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आप उसको बेच दो, सेल कर दो किसी और पर्सन को, तो क्या आप कर सकते हो? तो आंसर इज यस, जो बिल ऑफ लेडिंग होगी उसको आप इंडोर्स कर सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखो साहब क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग जो होती है उसकी तीन कॉपीज बनती हैं। कितनी बनती हैं, तीन कॉपी। ठीक है, जो पहली कॉपी होती है वो जहाज का कप्तान खुद रख लेता है और दो कॉपी एक्सपोर्टर को वापस दे देता है। एक्सपोर्टर उसमें से एक कॉपी आपको मेल कर देगा और एक कॉपी खुद रखेगा। पसंद में आती है, एक कॉपी आपको भेज देगा, एक खुद रखेगा
और टोटल टीम में से एक कप्तान के पास होगी, एक एक्सपोर्टर के पास होगी और एक आपके पास होगी, ठीक है। तो जो आपके पास कॉपी होगी आप उसके पीछे उसको इंडोर्स भी कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन को, और आप उस गुड्स को, अभी वो भले गुड्स आपको रिसीव नहीं हुआ, पानी में ही है, और आप उसको बेच सकते हो, और जब वो सामान आएगा तो फिर जिस पर्सन को आपने बेचा है वो पर्सन उसको क्लियर कराएगा फ्रॉम कस्टम, ठीक है। तो कस्टम के पास जब वो क्लियर कराने जाएगा तो उससे पूछा जाएगा ये आपके नाम में तो गुड्स नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली इम्पोर्टर कौन है, ओरिजिनली इम्पोर्टर तो आप थे, ठीक है, लेकिन आपने इंडोर्स कर दिया, तो वो आराम से जो है बिल ऑफ लेडिंग पलट के दिखाएगा, देखिए साहब उसी पर्सन ने इस बिल ऑफ लेडिंग को मेरे नाम में इंडोर्स कर रखा है और अब ये गुड्स मेरे को बिलोंग करता है, बात समझ में आती है। तो ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, अगर ये ट्रांसफरेबल नहीं होता तो हाई सी सेल पॉसिबल नहीं होती, बात समझ में आती है, ठीक है साहब। अगली बात पढ़ते हैं कि कौन बनाता है आखिर बिल ऑफ लेडिंग। तो मैंने बता दिया ये कप्तान की रसीद होती है, ऑब्वियस सी बात है जो जहाज का कप्तान होता है वही बनाता होगा, तो मास्टर ऑफ वेसल बनाता है या फिर पर्सन इन चार्ज, यानी कि जो वेसल जो जहाज का कप्तान है उसमें एक, जैसे मान लो एक गार्ड है, वो अगर पर्सन इन चार्ज है तो वो भी बना सकता है, बस बात है वो एक्नॉलेजमेंट दे सकता है, ठीक है। तो पर्सन इन चार्ज या फिर मास्टर ऑफ वेसल एक ही बात है, वो आपको बनाकर ये देते हैं। वेन टू प्रिपेयर, और ये फाइल कब किया था या प्रिपेयर कब किया था, तो यहाँ पे प्रिपरेशन की बात होगी, इसकी कोई फाइलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन एप्लीकेबल है, देखिए क्या होता है, एट द टाइम ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स इन टू वेसल एट ओरिजिन पोर्ट, यानी हमारे एग्जाम्पल में जब यूएसए पे गुड्स लोड हुआ तभी उसी टाइम पे जो जहाज का कप्तान है वो आपको क्या देगा, कप्तान की रसीद बनाकर देगा, बिल ऑफ लेडिंग बनाकर देगा। तो ओरिजिन पोर्ट पे जब गुड्स को वेसल में लोड किया जाता है उसी समय पे ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, कौन एग्जीक्यूट करता है, मास्टर ऑफ वेसल एग्जीक्यूट करता है। और अगली बात कहते हैं कैसे बनाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली प्रिपेयर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, कंप्यूटराइज्ड वे में प्रिपेयर किया जाता है। अगली बात देखते हैं कंटेंट इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो देखिए साहब ओरिजिन पोर्ट यानी यूएसए से चला है, डेस्टिनेशन पोर्ट इंडिया को जाना है, और अगली बात गुड्स की डिटेल कौन कौन सा सामान उसने लिया है, और अगली बात प्रीपेड या फिर पोस्ट पेड है, यानी कि जो जहाज का किराया है वो एक्सपोर्टर ने पे कर दिया है तो प्रीपेड, और अगर उसको जाने के बाद यानी इंडिया में पहुंचने के बाद अगर इंपोर्टर से कलेक्ट किया जाना है तो पोस्ट पेड आपका ये इसमें डिटेल आएंगी आपकी कि ये आपका पोस्ट पेड है, ठीक है। इस तरह की बातें इसके अंदर आती हैं, तो इसमें और कोई बात आपकी जानने वाली नहीं है, बिल ऑफ रेडी का डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट, इसको आईजीएम या फिर आईजीएम या फिर कुछ लोग इंपोर्ट मैनिफेस्ट यानी आईएम भी बोलते हैं, और इसको इंपोर्ट रिपोर्ट जब ये लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस केस में इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट मैनिफेस्ट को ही इंपोर्ट रिपोर्ट बोल दिया जाता है। नाम अलग क्यों रखे गए, डिस्टिंक्शन के पर्पज के लिए, ताकि जैसे इंपोर्ट रिपोर्ट बोले आप जान सकें ये लैंड रूट से ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, पसंद आती है। तो इस तरह की चीजें यहां पर है। अब जानते हैं कि इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके अंदर आप देखेंगे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पोर्ट अथॉरिटीज अबाउट अराइवल ऑफ कन्वेयंस, ठीक है। तो जब अब मैं आपको बताऊं, सपोज हम वेसल वाली बात लेके चलते हैं, आपको पता है कि कस्टम जो है वो 75% जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका पानी वाले जहाज के थ्रू होता है, वेसल के थ्रू होता है। तो इस केस में जो पूरा लॉ है उसी के मद्देनजर बनाया गया है। तो इसके अंदर आप देखिए साहब, जब पानी में आपका जहाज होता है और वो किसी पोर्ट पे आ रहा होता है, सपोज वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि यूएसए से गुड्स चला और कहां को आ रहा है, इंडिया को आ रहा है, तो जब इंडिया के मतलब पानी में ही है, वो भी समुद्र में ही है लेकिन वो काफी करीब आ चुका है, अब वो इंडिया में एंटर हो सकता है एट एनी टाइम, तो उस केस में बिफोर अराइवल वो क्या करेगा, एक इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करेगा। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करेगा, आंसर इज यस, क्यों करेगा, वो कुछ डिटेल्स देगा अपने बारे में, कुछ डिटेल्स देगा, देखिए साहब कंटेंट में क्या डिटेल देगा कि वो कौन है, ठीक है, वो कौन है यानी जहाज का नाम और कप्तान का नाम भी देगा, जहाज हर एक जहाज का भी एक नाम होता है, ठीक है ना, तो जहाज का नाम देगा, जैसे टाइटैनिक आप सबको पता है, तो हर एक जहाज का नाम होता है, तो वो जहाज का नाम देगा, कप्तान का नाम भी देगा, ठीक है, व्हाट
कि उसके अंदर वो क्या लेकर आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या लेकर आ रहा है, जो गुड आपका जहाज है उसके अंदर कौन कौन से सामान लोडेड है, क्योंकि हो सकता है आर्म्स एंड एमिनेशन भी लोड हो, ठीक है, तो बताओ आप आर्म एंड एमिनेशन अगर लोड है तो हो सकता है उसमें एक्सप्लोजिव चीजें भी हो सकती हैं, तो कहीं पोर्ट पे फट जाए तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ती है, ठीक है, तो पोर्ट अथॉरिटी कहती है नहीं बाहर ही रुको, दूर ही रुको, इधर मत आना, आर्म एमिनेशन लेके, गोला बारूद लेके, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। वेयर यानी कहाँ से आ रहा है, यानी कि लास्ट पोर्ट ऑफ जो आपका लैंड, जो कॉल का आपका पोर्ट था लास्ट पोर्ट, वो आपको इसमें बताना पड़ता है कि आप कहां से आ रहे हो, यानी कि ओरिजिन पोर्ट तो बताना ही पड़ता है और आपने आप पिछला कहां रुके हो वो भी बताना पड़ता है। ये सब बातें आपकी डिटेल में आएंगी आगे, एक सेक्शन आएगा आपका सेक्शन 30, उसके अंदर ये सारी बातें आएंगी। और अगली बात, वेन, वो कब तक आ रहा है, ठीक है, वो कब तक आ रहा है, इस चीज का भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। क्या क्या डिटेल देना पड़ेगा, हु कौन है वो, ठीक है, जहाज का नाम और जहाज के कप्तान का नाम, उसकी नेशनलिटी क्या है, मतलब वो किस राष्ट्रीय का है, वो सारी डिटेल, व्हाट वो क्या लेकर आ रहा है, वेयर वो कहां से आ रहा है, ठीक है, और व्हेन वो कब आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए रेलिवेंट है, व्हाट वो क्या लेकर आ रहा है ये भी आपका सिक्योरिटी पर्पस के लिए रेलिवेंट है, वेयर वो कहां से आ रहा है ये भी आपका जानना जरूरी है, जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप पूछते हो कि कहाँ से आए हो, उस तरह की चीजें हैं, ये भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए रेलिवेंट है। और वेन वो कब आ रहा है ये ट्रैफिक मैनेजमेंट पर्पस के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि देखो साहब जब पानी वाले रूट से अगर 75% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहां पे भी जैसे हमारे रोड पे जाम लगती है, वहां पे पोर्ट पे पानी वाले जहाजों की भी यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या होती है, वहां पे भी जाम लगता है, ठीक है, तो वो कब आ रहा है ये बताना जरूरी होता है ताकि ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके। दो कई तरह के जहाज भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो किसको कब कहाँ पे एकोमोडेट कराना है इसकी भी समस्या आती है, तो ये बताना जरूरी है कि वो कब आ रहा है ताकि ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया जा सके। बस समझ आती है। चलिए साहब, तो अब बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पोर्ट अथॉरिटी अबाउट अराइवल ऑफ कन्वेयंस, ठीक है, तो देखो साहब जो जहाज का कप्तान होता है कौन फाइल करता है, मास्टर का वेसल या फिर पर्सन इन चार्ज, सेम बात है, तो जहाज का कप्तान, अब वो जहाज चला के आ रहा है तो उसको पता है वो एट एनी टाइम इंडिया में आ सकता है, तो उस केस में क्या करेगा, बिफोर अराइवल वो क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉनिकली वो फाइल करेगा क्या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ठीक है ना, क्या फाइल करेगा, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट मैनिफेस्ट वो आपका फाइल करके चलेगा। वो फाइल करके क्या बताएगा कि भैया वो कौन है और क्या लेके आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन साहब एक बात सोचो, अगर लैंड रूट से आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बताओ ना साहब क्या पॉसिबल है कि हम आने से पहले ही आपको इतला कर दें, आपको बता दें कि साहब हम आ रहे हैं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आप ट्रक के ड्राइवर से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कंप्यूटर निकालेगा और इलेक्ट्रॉनिकली आपको फाइलिंग कर देगा, ऐसा आप उम्मीद नहीं कर सकते, इतना पढ़ा लिखा होता शायद वो ट्रक नहीं चला रहा होता, ठीक है, तो उस केस में क्या है, वहां पे टाइम लिमिट दी गई है आपको 12 आवर, विदिन 12 आवर ऑफ इट्स अराइवल, यानी कि जब आप जो ट्रक का ड्राइवर है वो गुड्स लेके आ जाए कस्टम पोर्ट में और आने के बाद वो 12 घंटे के अंदर अंदर वो ये डिटेल्स दे दे कि वो कौन है, क्या लेके आया है, कहाँ से आया है और कब तक आ रहा है, ठीक है, कब आया है, इस सभी चीजें वो डिटेल आपको प्रोवाइड करके चले, और इसे बोलेंगे इम्पोर्ट रिपोर्ट। तो इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड अगर है तो उस केस में इसको इम्पोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं। ये कब फाइल करनी होती है, विद इन 12 आवर ऑफ इट्स अराइवल, आने के 12 घंटे के अंदर फाइल करनी होती है। और अगर वेसल एटसेट्रा के थ्रू हो रही है, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू हो रही है तो उसको इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होता है आपको, और इलेक्ट्रॉनिकली उसको फाइल करना होता है, और कब फाइल करना होता है, बिफोर अराइवल फाइल करना होता है, ठीक है, बिफोर अराइवल आपको फाइल करना होता है। अब इसमें पढ़ लेंगे कि ये इसका पर्पस होता है कि हमारा जहाज आ रहा है, इस बात की जानकारी देना, कौन देता है, मास्टर ऑफ वेसल देता है, पर्सन इंचार्ज देता है, आईजीएम का केस है तो वो बिफोर अराइवल फाइल की जाती है, और अगर वो इंपोर्ट रिपोर्ट का केस है तो उस केस में विद इन 12 आवर ऑफ इट्स अराइवल फाइल की जाती है, ठीक है। और देखिए साहब यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे फाइल करनी है, तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है, और कुछ केसेस मान लीजिए सर्वर डाउन है एक्सेट्रा चीजें हैं, तो जो कमिश्नर होता है कस्टम का, कमिश्नर का जो कस्टमर कमिश्नर होता है वो आपको मैनुअली फाइलिंग भी अलाउ कर सकता है। ये सारी बातें आपको सेक्शन 30 में मिलेंगी, क्या क्या कंटेंट होता है, हु व्हाट वेयर एंड व्हेन, ठीक है, सबका पर्पस भी आपको पता चल गया, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आती है। देखिए साहब अब आप पूछोगे नहीं फाइल किया तो क्या, अरे नहीं फाइल किया तो फांसी की गोली चला देंगे, 50,000 रुपये पेनल्टी कर देंगे और क्या,
ठीक है, किस पे करेंगे, मास्टर का वेसल पे करेंगे, पसंद आती है। ठीक है साहब, अगली बात करते हैं बिल ऑफ एंट्री। अब देखो साहब, दोनों डॉक्यूमेंट जो आपके थे यानी कि आईजीएम और आपका जो बिल ऑफ लेडिंग था, ये दोनों किसने बनाया, पर्सन इन चार्ज या मास्टर ऑफ वेसल ने बनाया। अब बात करते हैं बिल ऑफ एंट्री की। अब इसमें कुछ चेंज है, इसको कौन बनाता है, सबसे पहली बात इंपोर्टर बना के चलता है बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, डिलीवरी इज क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, डिलीवरी इज क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको गुड्स की डिलीवरी लेनी है तो इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही आप डिलीवरी ले सकते हो गुड्स की। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि आप बिल ऑफ लेडिंग के बेस पर डिलीवरी गुड्स की डिलीवरी ले पाते हैं, तो यहाँ पे फिर ये क्यों आ गया। देखिए सर, यहाँ पे वो इसलिए चाहिए था क्योंकि आपको ये प्रूव करना था ये गुड्स मेरे को बिलोंग करता है, ये मेरा है। ठीक है, ये टाइटल का एविडेंस होता है। और यहाँ पे आपको गुड्स को क्लेम करने के लिए आपको बिल ऑफ एंट्री क्यों चाहिए। देखिए साहब, ये एक तरह का कंप्यूटेशन होता है। ठीक है, ये एक तरह का असेसमेंट होता है। ठीक है कि साहब, मैंने ये गुड्स मंगाया है, उसकी वैल्यू ये है, उस पर रेट ऑफ उसका मतलब एचएसएन कोड। आप क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर पढ़ोगे पूरा कि कौन से गुड्स को किस हेडिंग में क्लासिफाई किया जाए, इस तरह की चीजें। तो हमारा, मैंने ये गुड्स मंगाया है, उसका डिस्क्रिप्शन ये है, ये डिस्क्रिप्शन इस एचएसएन कोड में आता है, इस और इस एचएसएन कोड पे आपका ये रेट अप्लीकेबल है, और किस प्रकार से रेट ऑफ एक्सचेंज ये है, रेट ऑफ ड्यूटी ये है, और हमारी ड्यूटी लायबिलिटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है, वो इतनी बनती है, और आप उसको उसकी पेमेंट करके आओगे, और पेमेंट करने के अपॉन आपको गुड्स की डिलीवरी दे दी जाएगी। यानी कि बिल ऑफ एंट्री क्या है, इंपोर्टर द्वारा फाइल किया जाता है, और किस पर्पज के लिए फाइल किया जाता है, ये आपका डिटर्मिनेशन होता है, टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन होता है, कंप्यूटेशन होता है, आपका असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो आपका हर एक्ट में होता है, हर टैक्स लॉ में होता है, वो एक तरह का सेल्फ असेसमेंट है, जिसमें इंपोर्टर खुद ही अपनी टैक्स लायबिलिटी असेस करता है और ले जाके कस्टम ऑफिसर को देता है कि देखिए साहब, मैं मेरे हिसाब से मेरा गुड्स इस मेरा गुड्स ये है, इस डिस्क्रिप्शन का है, इस क्वांटिटी में आया है, इस एचएसएन कोड में फॉलो करता है, ये रेट ऑफ ड्यूटी है, ये रेट ऑफ एक्सचेंज है, और मेरी ड्यूटी लायबिलिटी ये बनती है, और आप देख लीजिए सही है नहीं। वो सही अगर करता है तो उसकी पेमेंट करके आता है आपका इंपोर्टर, और इंपोर्टर पेमेंट करने के अपॉन गुड्स की डिलीवरी ले पाता है। बात समझ में आती है? तो ये इस पर्पस के लिए रेलेवेंट है। बात समझ में आती है? कौन बनाता है? इंपोर्टर बनाता है। कब बनाई जाती है बिल ऑफ एंट्री? बिल ऑफ एंट्री कब बनाई जाती है? तो एक बात बताओ, जनरली कब बनाई जाती होगी? एक बार गुड्स आने तो दो भाई, छुड़ाओगे कब आप गुड्स? गुड्स को क्लेम कब करने आओगे? जब आप आपका गुड्स जब आ जाएगा तब आप क्लेम करने आओगे। ठीक है, तो एक बार जब आपका गुड्स आ जाता है तो आफ्टर आईजीएम या इंपोर्ट रिपोर्ट इज फाइल्ड, और इंपोर्ट रिपोर्ट का फाइल किया बस वही आधा एक घंटा पहले। ठीक है, अभी आपका जहाज पानी में है और जस्ट इंटर करने ही वाला है, आधा एक घंटा पहले फाइल की जाती है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ठीक है, और मान लो आपको बिल ऑफ एंट्री भी फाइल करनी है, तो बिल ऑफ एंट्री भी आप फाइल कर सकते हो। कब? इस केस में आफ्टर आईजीएम या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट इज फाइल्ड, यानी आपका आईजीएम आ जाए, ठीक है, उसके बाद आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, आप चाहो तो बिल ऑफ एंट्री एडवांस में भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, एडवांस में फाइल कर सकते हो, हाँ, लेकिन कितने एडवांस में? साल भर पहले एडवांस में नहीं, साल भर पहले एडवांस में आप फाइल नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम 30 days इन एडवांस में आप फाइल कर सकते हो। ठीक है ना, मैक्सिमम 30 days इन एडवांस, क्या मतलब है मैक्सिमम 30 days इन एडवांस? मान लीजिए आपका जहाज चल दिया यूएसएस और आपको एक्सपेक्टेड है कि अब 30 दिन के अंदर जहाज आ जाएगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर जहाज आ जाएगा, तो आप बिल ऑफ एंट्री जाके फाइल कर सकते हो। अच्छा, अगर ये मतलब प्लेन से चल दिया तो देखिए साहब, इलॉजिकल है, ऑल द लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, इलॉजिकल है, 30 दिन नहीं लगते कहीं से भी आने में। ठीक है, जहाज से अगर आप आ रहे हो, वो भी अगर एरोप्लेन से आ रहे हो, तो आपको 30 दिन नहीं लगते कहीं से आने में, लेकिन वहां पे भी ऐसी प्रोविजन लिखा हुआ है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड है कि आपका एयरक्राफ्ट 30 दिन के अंदर आ जाएगा, तो आप जो है इम्पोर्ट सॉरी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। बात समझ में आती है? तो पहला नियम क्या है कि आपका आईजीएम या फिर इम्पोर्ट रिपोर्ट आपका फाइल हो जाए, उसके बाद एट एनी टाइम आप फाइल कर सकते हो बिल ऑफ एंट्री, और अपने गुड्स को क्लेम कर सकते हो, ड्यूटी लायबिलिटी का असेसमेंट करके दिखा सकते हो कस्टम ऑफिसर को, और फिर क्लेम कर सकते हो उसके बेसिस पे। दूसरी बात, आप चाहो तो इसको एडवांस में फाइल कर सकते हो। एडवांस में कैसे? मैक्सिमम 30 days इन एडवांस। मैक्सिमम 30 days इन एडवांस कहां से? अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका जहाज जो है वो 30 days के अंदर, अगले 30 days के अंदर आ जाएगा, तो उस समय आप उसको फाइल कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं अभी 35 दिन लगेंगे, तो अभी फाइल नहीं कर सकते। जब आपको लगता है विदिन 30 days आ जाएगा, तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। मैनर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली होगा, और वही सेम बात है, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सर्वर डाउन है, इस तरह की चीजें आ रही है, कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो कमीशन ऑफ कस्टम होगा वो आपको मैनुअल फाइलिंग भी अलाउ कर सकता है।
ठीक है। अगली बात लिखते हैं कि आखिर बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या डिटेल होती हैं, बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या डिटेल होती है। मैंने पहले ही बता दिया इसमें क्या बातें होती हैं कि आपका मतलब असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी होता है बेसिकली, तो उसके अंदर वो बातें तो जरूर जरूर होंगी, लेकिन इसके अलावा इम्पोर्टर की डिटेल होंगी, एक्सपोर्टर की डिटेल होंगी, यानी कि कौन उसका इम्पोर्ट किसने किया है, एक्सपोर्ट किसने किया है, वो वाली बातें, गुड्स की डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, कि गुड्स आपने कौन से डिस्क्रिप्शन में गुड्स मंगाया है, उससे क्यों होगा ये, ताकि एचएसएन कोड डिसाइड हो सके कि आपका गुड्स किस रेट ऑफ ड्यूटी के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, एचएसएन कोड डिसाइड हो सके, तो गुड्स का डिस्क्रिप्शन होगा, गुड्स की वैल्यू होगी क्योंकि जितनी वैल्यू होगी उसी पर टैक्स लगेगा, गुड्स की वैल्यू होगी, रेट ऑफ एक्सचेंज होगा क्योंकि आपने इम्पोर्ट किया है, तो हो सकता है आपको पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी हो, तो आप मान लो कि आप $50,000 में पेमेंट करते हो, तो फिर $50,000 की वैल्यू है, तो वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में, क्योंकि टैक्स तो आपको इंडियन रुपीज में देना है INR में, तो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, रेट ऑफ ड्यूटी होगी कि कौन सा रेट आपके गुड्स को लगता है, और उस प्रकार से टोटली आप इम्पोर्ट ड्यूटी निकालकर आप शो करोगे अपने कंप्यूटेशन में, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन खत्म होता है तीनों टॉपिक का, बिल ऑफ लेडिंग का, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट का, इंपोर्ट रिपोर्ट का, और आपका बिल ऑफ एंट्री का, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं आपका इंपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है, ये आपका चैप्टर भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के नाम से, और अब मेन सेक्शन के अंदर आप एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि इंपोर्ट प्रोसीजर, आखिर इंपोर्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है उसके लिए, और इसमें कुछ सेक्शंस का भी जिक्र आएगा आपको, उसको देखना है, ठीक है। तो जहां जैसे होगा कंटेंट जब लिंक होगा तो मैं आपको कंटेंट भी कराते चलूंगा साथ साथ, ठीक है। देखिए साहब स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले मान लीजिए गुड्स आपका फॉरेन पोर्ट है, फॉरेन पोर्ट है मान लीजिए USA है, और ये आपका इंडिया का एरिया है यहां से यहां, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, और वो आपका फॉरेन पोर्ट है मान लीजिए ये USA है और ये आपका इंडिया है, ठीक है। सबसे पहली बात, जब ये जो हमारा वेसल है, ऑल्दो ये एकदम फॉरेन पोर्ट के पास नहीं है, लेकिन स्पेस को भी ध्यान में देते हुए देखते हुए हमें करना होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है स्पेस को देखते हुए। ऑल्दो मान के चलिए जब फॉरेन पोर्ट से गुड्स निकल जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, निकल जाता है, ये काफी आगे आ जाता है ऑलमोस्ट इंडिया के पास जब आ जाता है, तो इट इज लाइक एन अनाउंसमेंट, सेक्शन 29 इज लाइक एन अनाउंसमेंट, ठीक है। जो सेक्शन 29 है वो आपका अनाउंसमेंट के रूप में है, ये कहाँ होगा, ऑलमोस्ट कितने पास में होगा कि आपको अगर इंडिया से कुछ बोला जाए तो आपको सुनाई दे, ऑल्दो वो ऐसा कुछ बोला नहीं चाहता है प्रैक्टिकली, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक जनरल सेक्शन है, इसे कोई पर्टिकुलर यहाँ लोकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, इट इज लाइक एन अनाउंसमेंट, ठीक है। किस तरह के अनाउंसमेंट है मैं बताता हूँ, कि देखो जहाज के कप्तान जितने भी कप्तान जहाज के कप्तान हैं जो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, अगर उनको आना है तो कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पे ही आना है, इसके अलावा अगर आप किसी और एयरपोर्ट या पोर्ट या फिर एयरपोर्ट पे गए तो ऐसी एक्टिविटी को आपका स्मगलिंग करार दिया जाएगा, और ऐसा करने वाले को स्मगलर कहा जाएगा, मसल मत है। तो इस तरह की एक अनाउंसमेंट है कि देखो साहब इंडिया के बाहर से जो भी जहाज आ रहे हैं वो केवल और केवल कहां पर आए, कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे ही आए, ठीक है। इस तरह की अनाउंसमेंट टाइप सी ये सेक्शन है, सेक्शन 29। ऐसा क्यों है मैं बता दूं आपको, एक बात बताओ, क्या इंडिया में कुछ ही जो तट होता है, समुद्र वाला तट जो होता है उसे ही कस्टम पोर्ट बना दिया जाता है, लेकिन एक बात बताओ समुद्र के पास कितने सारे तट होंगे, कितने सारे हमारे सीमाएं हैं जो तट से लगी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारी सीमाएं हैं लैंड रूट वाली जो आपकी जो है दूसरे देशों से लगी हुई है, तो क्या हर एक जहां जहां भी हमारा अटैचमेंट है दूसरे देश से, क्या हम वहां वहां पे सैनिक तैनात कर दें, वहां वहां कस्टम पोर्ट बना दें, वहां वहां कस्टम ऑफिसर को तैनात कर दें, कि ये पॉसिबल है? आंसर इज नो, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जहां से बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है केवल उन्हीं को हम लोग क्या कर रखे हैं, चिन्हित कर रखे हैं, उनको हम मार्क कर रखे हैं कि साहब इनको हम क्या मानेंगे, कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट मान के चलेंगे, ठीक है ना, कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट मान के चलेंगे, बाकी सारे क्या है, नॉर्मल पोर्ट और एयरपोर्ट है, लेकिन जो जिनको नॉमिनेट किया गया है, जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनको चिन्हित किया गया है, उनको क्या बोला जाता है, उन्हें कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट बोला जाता है, बाकी क्या बोला जाता है, नॉर्मल पोर्ट और एयरपोर्ट है, वो पोर्ट एयरपोर्ट है, लेकिन ये क्या है, कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट है, ठीक है। तो अगर आप सपोज, बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो आपने सुना होगा ना वो जो डायलॉग आता है मोना डार्लिंग हमारा माल आने वाला है, ठीक है, तो वो मोना डार्लिंग का माल कहां पे आता है,
वो जो हमारे कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट है उन पे नहीं आता। वो कहाँ कौन से आता है, जो अदर हमारी सीमाएं हैं जो लगी हुई हैं, पोर्ट एयरपोर्ट नॉर्मल जो है हमारे, वहां के थ्रू वो सामान आता है। और ऐसी एक्टिविटी को स्मगलिंग कहते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ऑफिसर नहीं है, आप बिना ड्यूटी पे किए हुए लाए हो, तो इस तरह का जो आपका एक्टिविटी है वो स्मगलिंग कहा जाता है। तो ये जो सेक्शन है 29, वो एक जनरल सेक्शन है, इसकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है आपको, ठीक है। इट इज लाइक एन अनाउंसमेंट कि जो भी जहाज के कप्तान है वो ध्यान से सुन ले, अगर आपको आना है तो कहाँ पे आना है, कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे आना है, इसके अलावा कहीं और आपको लैंड नहीं करना है, लैंड या कॉल नहीं करना है। अगर आप करते हो तो ऐसी एक्टिविटी को स्मगलिंग कहेंगे, और आप ऐसा जो कर रहा है उसको स्मगलर करार देंगे, और फिर आपको पता है जेल में चक्के पिसेंगे, चक्के पिसेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहां पर आती है सेक्शन 29। सेक्शन 30 के अंदर आते हैं, अब वो ये फाइलिंग ऑफ आईजीएम की बात आ गई कि इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आपकी फाइल करने की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको अभी बताया था कि आधा एक घंटा पहले के आसपास फाइल किया जाता है। कौन करता है, कप्तान, जो जहाज का कप्तान होता है वही। यहाँ पे भी किसके लिए ये सेक्शन है 29 में, ये भी जहाज के कप्तान के लिए है, ठीक है। जो कप्तान है जहाज का उसी के लिए है, मास्टर ऑफ वेसल के लिए है कि आना है तो कहाँ पे आना है, कस्टम पोर्ट पर आना है, ठीक है। और ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन 30 इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइलिंग की, ये भी ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, कप्तान जो होता है हमारा जहाज का कप्तान है, मास्टर ऑफ वेसल, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाई गई है। आपको पता भी है कि आईजीएम कौन फाइल करता है, मास्टर ऑफ वेसल फाइल करता है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा। तो देखिए साहब, जब आप मान के चलिए आधा एक घंटे में आप इंडिया में इंटर करने वाले हो, ठीक है, वो यूएस पोर्ट है या इंडिया पोर्ट है, आप आधा एक घंटे में इंटर करने वाले हो, तो आपको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करना होगा। उसमें क्या क्या डिटेल देनी होगी, क्या वही सारी चीजें, कौन है, हु, क्या लेकर आ रहा है, वेन, कब तक आ रहा है और कहां से आ रहा है, ये चार डिटेल देनी होगी। ये तीन बातें सिक्योरिटी पर्पज के लिए और वेन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आपको देना होता है। दूसरी बात, ये डुप्लीकेट में बनाई जाती है, डुप्लीकेट मतलब टू कॉपीज की बनाई जाती है। एक कॉपी जो होता है वो जो आपका पर्सन इंचार्ज होता है वो रख लेता है, और एक कॉपी जो होता है वो प्रॉपर ऑफिसर के पास होती है। एक कॉपी जो दो कॉपी बनती है फाइलिंग की जाती है, फाइलिंग की जाती है, दो कॉपी होती है, वैसे ऐसा होता नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है, ठीक है ना। तो वो इसमें कोई कॉपी पे बनाने की बात नहीं है, लेकिन लॉ बहुत पहले समय से बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें सब कुछ मैनुअल था, ठीक है। तो इसलिए वहां पे लिखा हुआ है कि दो कॉपी बनेगी, एक कॉपी कौन रखेगा, जहाज का कप्तान, एक कॉपी किसके पास होगी, प्रॉपर ऑफिसर के पास होगी, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर। अच्छा, प्रॉपर ऑफिसर कोई पोस्ट नहीं है कस्टम में, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर नाम में कोई पोस्ट नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता जिसे प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं। प्रॉपर ऑफिसर क्या होता है, जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उसमें जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है उसको बोला गया प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज है उसको सुनने के लिए अगर कमिश्नर आपका मतलब डेजिग्नेटेड है, मतलब कमिश्नर को अगर उसकी पावर है तो उसको उसके इसमें कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर होगा। उससे छोटे रैंक का अगर आदमी है उसके पास पावर है केस को हैंडल करने का तो उस केस में वो प्रॉपर ऑफिसर होगा। पर्सन आती है तो प्रॉपर ऑफिसर कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर बोला गया एप्रोप्रिएट ऑफिसर के लिए, ठीक है, एप्रोप्रिएट ऑफिसर के लिए। पर्सन आती है तो ये दो कॉपी बनती है, एक कॉपी पीओ के पास होती है और एक कॉपी किसके पास होती है, जो मास्टर ऑफिसर जिसने फाइल की है वो अपने पास रखकर चलता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, ना फाइल करने पर 50,000 पेनल्टी लगती है, रिवीजन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, अभी पूरा सेक्शन आएगा, ठीक है, रिवीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन आपका नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें आएंगी। ये कब फाइल होता है, वही जब आप आधे घंटे में इंडिया में एंटर करने वाले होता, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कि ये कैसे है, अब देखना साहब यहां से सेक्शन शुरू होते हैं। अब आपका जहाज कहां पहुंच गया है, एकदम आप इंडिया के पास पहुंच गया है, इंडिया के पास पहुंच गया है। तो अब आप ऐसे नहीं कि आप इंडिया के पास पहुंच गया और ये सामान उतारा और ये फेंक दिया उठा के पोर्ट पे, ये सामान उतारा, ये लोडिंग चालू कर दी, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। आप सीधे सारा डाटा लिया था ना हमने, तो उसका भी कुछ कारण था। अब क्या होगा, आप यहाँ पे आओगे और खड़े रहोगे, और इसका जो मास्टर ऑफ वेसल है, ठीक है, फिर लाइबिलिटी किसके ऊपर है, मास्टर ऑफ वेसल के ऊपर। वो क्या करेगा, वो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा और इनसे लेगा परमिशन, क्या लेगा, इनसे लेगा परमिशन। किस बात की परमिशन लेगा, सेक्शन 31 क्या कहता है, परमिशन लेगा फ्रॉम प्रॉपर ऑफिसर टू अनलोड द गुड्स, गुड्स को अनलोड करने की परमिशन लेगा, क्या लेगा, गुड्स को अनलोड करने की परमिशन लेगा। लेकिन हाँ, सारे प्रकार के गुड्स की अनलोडिंग की परमिशन नहीं चाहिए, मैं आपको अभी आएगा कुछ कुछ हैजार्डस गुड्स हैं, कुछ खतरनाक गुड्स हैं, एनिमल एनिमल है, तो उनके लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए, तो वो आपको पूरा सेक्शन आएगा डिटेल में, ठीक है, मेल बैग्स एक्सेट्रा है, तो उस तरह की चीजें। तो परमिशन फ्रॉम प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, बट कुछ आर्टिकल है उनके लिए नहीं रिक्वायर्ड होता है। अब मान लो जानवर है, ठीक है, उनको अंदर आप रखे हुए हो, पेरिशेबल आइटम है उसको अंदर रखे हुए हो, तो वो सब जेल में नहीं है, तो उसको आप अनलोड कर सकते हो। उसके अलावा बाकी आइटम को आप अनलोड नहीं कर सकते, पसंद आती है।
तो अब क्या होता है, ये जो मास्टर ऑफ वेसल है वो पहुंचता है प्रॉपर ऑफिसर के पास, फिर से किसी अप्रोप्रिएट ऑफिसर के पास पहुंचता है, उससे क्या मांगता है कि साहब साहब मेरे को गुड्स अनलोड करना है, ठीक है। तो वो परमिशन ग्रांट करता है, जो परमिशन ग्रांट करता है उसे बोलते हैं एंट्री इनवर्ड। क्या बोलते हैं उसको? एंट्री इनवर्ड, ठीक है। परमिशन ग्रांट करता है, क्या परमिशन ग्रांट करता है कि तुम एक काम करो, इस डेट पे आना, इस टाइम पे आना, मतलब 2 दिन बाद, 2 दिन बाद की डेट दे दी मान लो सपोज, और टाइम दे दिया कि 3 बजे आना सपोज, और बर्थ दे दिया, जो पोर्ट पे भी कई बर्थ होती है, जैसे ट्रेन में बर्थ होती है ना, उसी तरह से पोर्ट पे भी बर्थ होती है, कि इस बर्थ नंबर पे तुम अपना गुड्स अनलोड कर देना, बात समझ आती है। तो ये आपका सेक्शन 31 है। मास्टर ऑफ वेसल कहाँ जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर के पास। क्या कहेगा? परमिशन दे दो हमें अनलोड करने की। प्रॉपर ऑफिसर एंट्री इनवर्ट ग्रांट करेगा, ठीक है, और उसको क्या कर देगा, इस डेट पे आना, वो ट्रैफिक ऑफिस देखते हुए, इस डेट पे आना, इस टाइम पे आना, और ये बर्थ नंबर पे अपना गुड्स अनलोड कर देना, बात समझ आती है। ये सेक्शन आपका सेक्शन 31। अब आते हैं सेक्शन 32। देखिए साहब, आईजीएम में पूछा गया था आपसे कि क्या लेकर आ रहे हो, व्हाट, ठीक है, क्या लेकर आ रहे हो। तो अगर आपने आईजीएम में कोई गुड्स की डिटेल दी, ठीक है, तो केवल आप वही गुड्स आप अनलोड कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने कोई गुड्स लाया है और उसकी डिटेल आपने आईजीएम में नहीं दी है तो उसको आप अनलोड नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली दोस गुड्स विल बी अनलोडेड विच आर मेंशन इन आईजीएम। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में जिस गुड्स का जिक्र है कि साहब हम ये लेकर आ रहे हैं, हमें इसको अनलोड करना है, केवल उसी 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 गुड्स को अनलोड किया जा सकता है, इसके अलावा किसी और को अनलोड नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या करें, अगर मान लो कोई ऐसा गुड्स है आपके ध्यान में नहीं चढ़ा, मास्टर ऑफ वेसल उसके ध्यान में नहीं चढ़ा कि साहब ये भी गुड्स है, उसको भी अनलोड करना था, अब तो वो किया नहीं सकता, आप क्या करें। तो आपको पता है अभी मैंने बार बार में एक बार बोल दीजिए रिविजन पॉसिबल है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, तो बस आप रिवाइज कर दो आईजीएम, और आप जब आप रिवाइज कर दोगे आईजीएम तो उस केस में आप उस गुड्स को भी अनलोड कर सकोगे, प्रोवाइडेड दैट आपकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 32 कहता है केवल वो गुड्स अनलोड होंगे जो कि मेंशन है आईजीएम में। सेक्शन 33 क्या कहता है, देखिए साहब जो पोर्ट होता है हमारा उसमें एक अप्रूव्ड प्लेस होता है कस्टोडियन वाला, ठीक है, उसका कस्टोडियन इंचार्ज होता है, अप्रूव्ड प्लेस होता है, उसे डॉक एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अनलोडिंग कहां पे की जाएगी, केवल और केवल कहां पे की जाएगी, अप्रूव्ड प्लेस पे, यानी कस्टोडियन के जो क्षेत्राधिकार है, जो उसका पावर जोन है, केवल उसमें ही आपकी अनलोडिंग की जाएगी, अप्रूव्ड प्लेस पे ही अनलोडिंग की जाएगी। ऐसे नहीं दिया पोर्ट पे बर्थ नंबर अलॉट है तो बर्थ पे कहीं पे भी कर दिया, नहीं, उस बर्थ नंबर पे भी जो कस्टोडियन का एरिया होगा वहां पे आपको अनलोडिंग करनी है, बस इस बात की। सेक्शन 33 ये कहता है। सेक्शन 34 में आ जाइए तो वो क्या कहता है, अनलोडिंग ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर, यानी जब आपका माल उतर रहा होगा, अनलोड किया जा रहा होगा जहाज से, तो वहां पर भी एक कस्टम ऑफिसर होगा, वो आपके द्वारा जो आप बिल ऑफ लेडिंग होता है उसकी एक कॉपी होती है ना, एक कॉपी होती है, तो वो आपका बिल ऑफ लेडिंग से मैच करता रहेगा कि आपने कौन कौन सा गुड्स यहाँ उतारा है, क्या किससे मैच करेगा, आपके बिल ऑफ लेडिंग से, और दूसरा आपने आईजीएम फाइल किया है, आईजीएम 2 कॉपी फाइल की है, एक किसके पास है रिटेन्ड बाय पर्सन इंचार्ज और एक किसके पास है प्रॉपर ऑफिसर के पास, तो इस आईजीएम से वो मिलाएगा कि आपने जो गुड्स आईजीएम में बताया क्या वही आप कर रहे हो कि नहीं, और बिल ऑफ लेडिंग में आप जो आपका बिल ऑफ लेडिंग है उसके अंदर आपने क्या डिटेल्स दी है उसको भी वो रेफर कर सकता है, ऐसा कंपल्सरी बेसिकली आईजीएम से मिलाया जाता है, लेकिन वो बिल ऑफ लेडिंग को भी मतलब एक बार को चेकआउट कर सकता है, देख सकता है, आस्क कर सकता है, मांग सकता है आपसे, पास बना दिया मास्टर ऑफ वेसल से, बेसिकली वो आईजीएम से मैच करेगा कि साहब जो आपने आईजीएम डिटेल दी है क्या आप केवल वही उतर रहा है या इसके अलावा कुछ आप उतारने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसके अलावा कोई आइटम नहीं उतारा जा सकता है, सेक्शन 32 कहता है ऐसा, ठीक है। तो ये है आपका इंपोर्ट प्रोसीजर, और आपने देखा कि सेक्शन 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये सारे ऑब्लिगेशन किसके ऊपर लगाए गए, तो मास्टर ऑफ वेसल के ऊपर लगाए गए, पर्सन इंचार्ज के ऊपर लगाए गए। आप बिना देखे फटाफट, आप मतलब रिकमेंडेबल है आपको तो दिख रहा होगा, खैर आप फटाफट इसको कर सकते हैं। सेक्शन 29 बहुत ईजी क्या है कि आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, इसके अलावा किसी और पोर्ट पे नहीं, एक आध घंटे पहले आपको क्या करना होता है, जो मास्टर ऑफ वेसल है सब मास्टर ऑफ वेसल पे है, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, अपने आने की डिटेल देनी होती है कि वो मतलब वो कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, कब तक आ रहा है, इस सबकी डिटेल देनी होती है, ठीक है। और ये कैसे देनी होती है, आने से पहले बिफोर अराइवल आपको ये डिटेल देनी होती है, नहीं देते हैं तो 50,000 की पेनल्टी लग सकती है, अगर सफिशियंट कॉज आपके पास नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री कॉज आपके पास नहीं है डिले के। दूसरी बात, अगर आप मतलब रिवीजन पॉसिबल है, क्या बिल्कुल रिवीजन पॉसिबल है, इस तरह की बातें यहाँ पर है, लेकिन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन आपका नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट में फाइल होती है आपकी,
डुप्लीकेट में फाइल होती है, एक कॉपी पीओ के पास होती है और एक कॉपी जो होता है वो फाइल करने वाला यानी मास्टर ऑफिसर अपने पास रख लेता है। सेक्शन 29 हो गया, 30 हो गया, 31 के अंदर आता है कि आपको एंट्री इन वर्ड लेना है। आप यहाँ पे पहुंचोगे जब इंडियन पोर्ट पे, तो आप जब खड़े रहोगे और क्या करोगे, प्रॉपर ऑफिसर के पास परमिशन लेने जाओगे, क्योंकि पोर्ट बहुत बिजी रहता है। ऐसा नहीं कि आप अपना सामान अपना उतारना अपने हिसाब से चालू कर दिए, लेकिन उसमें भी कुछ चीजों की एक्सेप्शन है, जैसे कि पेरिशेबल आइटम, हैजार्डस गुड, एनिमल, इन सब आप चाहो तो उतार सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेचारे को तब तक याद में रखोगे मर जाएंगे बेचारे, तो इसलिए उन सबको आप उतार सकते हो। पेरिशेबल और हैजार्डस आइटम में खतरनाक सामान है तो उसको भी आप उतार सकते हो, अगर आप बस एक्सक्लूसिव एक्सेट्रा को चीजें हैं तो, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पर उतार सकते हो। तो अब क्या कहते हैं कि एंट्री इनवर्ड, आपको फिर आप परमिशन लोगे कि हमको उतारने का परमिशन दीजिए, अनलोड करने का कौन लेगा, मास्टर ऑफिसर, और वो आपको एंट्री इनवर्ड के रूप में ग्रांट कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपको ग्रांट कर दिया जाता है एंट्री इनवर्ड, आपको डेट होगी, टाइम होगी और बर्थ प्लेस आपको अलॉट हो जाएगा। 31, 32 में क्या कहते हैं कि जो गुड्स आपने मेंशन किया आईजीएम में कि हम लेकर आ रहे हैं उसको अनलोड करेंगे, वही गुड्स आप उतार सकते हो, इसके अलावा कोई और गुड्स को आप उतार नहीं सकते। सेक्शन 33 क्या कहता है आपका, सेक्शन 33 ये कहता है कि आपका जो बर्थ आपको अलाउड हुआ है उस बर्थ पे भी आपका जो अप्रूव्ड प्लेस है, डॉक एरिया है, जहां कस्टोडियन का पावर जोन है, क्षेत्राधिकार है, कि बार आप वहीं पर गुड्स को अनलोड करोगे, इसके अलावा किसी और प्लेस पे आप अनलोड नहीं करोगे। 34 में कहता है जो भी गुड्स आपके अनलोड किए जा रहे हैं वो आईजीएम से मैच करेगा, कौन, सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन में आपके गुड्स अनलोड किए जाएंगे, वो आईजीएम से मैच करेगा कि जो आपने गुड्स बोला है क्या आप वही उतार रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। तो इस तरह की बातें आती हैं और इस प्रकार से आपका डिस्कशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है इसका, और इसके बारे में डिटेल सेक्शन जो है वो अब आपके सामने आएंगे इस यहाँ पर। ओके, तो अब ये लीगल कंटेंट जो है आपका सेक्शन 29 का, उसको स्टार्ट करते हैं, जितना हमने पढ़ा 29, 30, 31, 32, 33, 34 तक, ठीक है, उसका लीगल प्रोविजन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन 29, यही आपका सब कुछ मटेरियल, आपको कुछ भी किताब होता कुछ नहीं देखनी, सब आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात सेक्शन 29 क्या कहता है, पढ़िए साहब, पीआईसी ऑफ अ वेसल यानी पर्सन इन चार्ज ऑफ अ वेसल और एयरक्राफ्ट एंटरिंग इंडिया, यानी पर्सन ऑफ वेसल, जो पर्सन इन चार्ज है, मास्टर ऑफ वेसल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी मास्टर ऑफ वेसल की जो इंडिया में एंटर कर रहा है, ठीक है, जो इंडिया में एंटर कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, हम किसी अगर ये कस्टम है तो इंडिया है ना, इंडियन है ना, तो फिर इसको हम किस पे लगा सकते हैं, जो पर्सन इंडिया में एंटर कर रहा है उसके ऊपर लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई श्रीलंका भी आ रहा है तो हम कहें अपनी, तो गलत बात है, ठीक है, ऐसा तो कर नहीं सकते, ठीक है सर। तो क्या लिखा हुआ है, तो पर्सन इन चार्ज ऑफ अ वेसल और एयरक्राफ्ट, अगर कोई वेसल है या एयरक्राफ्ट है उसका पर्सन इन चार्ज, या फिर मास्टर ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट के इसमें अगर उसका पायलट है, तो वो अगर इंडिया में एंटर इनटू हो रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये आउटसाइड है, तो अगर किसी प्लेस जो कि इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में आ रहा है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो परमिट नहीं करेगा, शैल नॉट परमिट, वो परमिट नहीं करेगा, क्या परमिट नहीं करेगा, कॉल, कॉल किस केस में यूज होता है, वेसल के केस में, और एयरक्राफ्ट के केस में यूज होता है लैंड शब, ठीक है ना, तो वो कॉल परमिट नहीं करेगा, वो लैंड परमिट नहीं करेगा, कहां कॉल और लैंड परमिट नहीं करेगा, एट एनी प्लेस अदर देन पोर्ट और एयरपोर्ट, अदर देन पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत होगी, THAN होगा, ठीक है, ऑन एनी प्लेस अदर देन पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है। तो अगली बात कहते हैं, सॉरी, अदर देन कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है, अनलेस परमिटेड बाई बोर्ड। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे है कि साहब यहाँ पे अगर आपको किसी अदर प्लेस पर जाना है तो आपके पास जो राइट है, मतलब आपको ग्रांट करने का, वो किसके पास है, वो आपके पास किसी कस्टम ऑफिसर के पास नहीं है, राधर वो सीधा बोर्ड के पास है, ठीक है ना, वो किसके पास है, सीधा सीधा बोर्ड के पास दी गई है। तो क्या कहते हैं, तो पर्सन जो वेसल और एयरक्राफ्ट का पर्सन इन चार्ज है, मास्टर ऑफ वेसल है, और वो इंडिया में आ रहा है इंडिया के बाहर से, तो वो परमिट नहीं करेगा, कॉल लैंड, कॉल किसका, वेसल का और एयरक्राफ्ट का, लैंडिंग परमिट नहीं करेगा, कहां पे, किसी भी प्लेस पे अदर देन कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे। यानी कि आपको पता है कि कई सारी हमारी कनेक्शन है, बहुत सारा कनेक्टिविटी हमारी हमारे बॉर्डर से दूसरे देशों के, तो ऐसा नहीं कि हम हर जगह पे कस्टम पोर्ट बना दें, ठीक है, तो हमने से कुछ को अपने हमने क्या कर रखा है, अप्रूव कर रखा है, तो जो भी बाहर से आ रहा है जहाज उसको कहां पे आना है, केवल और केवल कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे ही आना है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है, अगर जाते हैं तो क्या होगा, स्मगलिंग होगा और आपके गुड्स का कन्फिस्केशन हो सकता है, यानी उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम में, ठीक है।
तो ये सब चीजें हैं। अब यहां पे कहते हैं अगर इस कंडीशन को हटाना है, सेक्शन 29 को अगर आपका कंडीशन को हटाना है तो उसकी पावर किसके पास है? बोर्ड के पास है। ध्यान दीजिएगा, कमिश्नर और कमिश्नर कोई कुछ काम नहीं कर सकता इसमें। इसके पास पावर किसके पास है? सीधा बोर्ड के पास है। और ऑब्वियसली बात, एक बात बता दूं, अगर बोर्ड को परमिट करना हो तो किसी पर्टिकुलर उसको परमिट नहीं कर सकता, वो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इम्पोर्टर या फिर मास्टर ऑफ वेसल बोल रहे हैं उनको परमिट करेगा किसी, मतलब जनहित में वो ऐसा कर सकता है, ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ आती है? तो ये बात यहाँ पर हो जाती है, पावर किसी पास है, बोर्ड है, और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, अगली बात कहते हैं हाउ एवर। लेकिन देखिए दूसरे कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन बना रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, यानी जहाज का अगर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है साहब। दूसरी बात, स्ट्रेस ऑफ वेदर, अगर आपके पास मौसम खराब हो जाए और आपको कॉल और लैंड करना जरूरी है, और खराब मौसम है तब भी उड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे जाना है, तो ये साहब थोड़ी सी अनरीजनेबल बात हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि अगर वेदर का स्ट्रेस है तो आप चाहो तो तूफान आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, रोक देंगे और क्या। ठीक है, हम कहीं और कोई पोर्ट है तो वहां पर भी रुक सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, या फिर अदर अनअवॉइडेबल कॉज है, कोई अनअवॉइडेबल कॉज है जो आप मान लो, सपोज आपके पास तेल ही खत्म हो गया, ठीक है, जहाज का फ्यूल खत्म हो गया, लीक होने लगा, ठीक है, और वो खत्म होने लगा, अब क्या करें? अब जाना ही पड़ेगा हमें किसी पोर्ट पास के, ताकि हम उसको रिपेयर कर लें और हमारा जो फ्यूल है उसको दोबारा भर लें और फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई अनअवॉइडेबल कॉज है तो फिर जो पीआईसी है, पर्सन इन चार्ज है, वो परमिट कर सकता है। क्या परमिट कर सकता है? कि किसी भी पोर्ट पे अदर देन कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे कॉल और लैंड करना। क्या परमिट कर सकता है? अदर देन कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे कॉल और लैंड का, कॉल और लैंड ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल को परमिट करना। बात समझ में आती है? तो ये वो परमिट कर सकता है। दूसरी बात, अगर ऐसा सिचुएशन होता है, कैसा सिचुएशन होता है, यानी एक्सीडेंट होता है या फिर स्ट्रेस ऑफ वेदर होता है या फिर अनअवॉइडेबल कॉज होता है उस केस में, और आपको कहीं और लैंड करना पड़ेगा, आपको कहीं और कॉल या लैंड करना पड़ता है, तो उस केस में उसकी जिम्मेदारी है, उसकी किसकी? पर्सन इन चार्ज की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि वो रिपोर्ट करे नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को। उसकी क्या जिम्मेदारी है? कि वो रिपोर्ट करे नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को, जो सबसे पास में कस्टम ऑफिसर है उसको जाके उसको रिपोर्ट करना होगा कि साहब देखो, चूंकि ऐसा ऐसा कारण था, एक्सीडेंट हो गया था जहाज का, या फिर स्ट्रेस ऑफ वेदर था, या फिर अनअवॉइडेबल कॉज था, इस वजह से मुझे जो है लैंड करना पड़ा है कहां पर? अदर देन कस्टम पोर्ट पर, वो पोर्ट जो कि कस्टम द्वारा अपॉइंटेड नहीं है, फिर भी मुझे वहां पर लैंड करना पड़ा है, ये मेरी मजबूरी थी और उसका कारण इनमें से कुछ था। ठीक है, तो इस बात को किसको बताना पड़ेगा? कस्टम ऑफिसर को बताना पड़ेगा, जो भी उस एरिया का नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर होगा। अगर मान लो वहां पे कोई नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर नहीं है तो उस केस में आपको पुलिस स्टेशन जो होगा, ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन होगा नियरेस्ट का, वहां के ऑफिसर को आपको इंटीमेट करना होगा, वहां के ऑफिसर को आपको बताना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लॉग बुक प्रोड्यूस करोगे। लॉग बुक क्या होता है? अगर आपको बता दूं, जो ट्रेन होती है, खास करके अगर सरकारी, आप कभी अगर आप लोग ऑडिट वेट करते ही हैं, तो अगर आप कभी पीडब्ल्यूडी या फिर किसी बड़े अगर उसके ऑडिट पे गए हो, तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके कोई ऑडिट पे गए हो, तो वहां पे जो ऑफिसर होते हैं बड़े ग्रेड के, उनको गाड़ी मिलती है, लाल बत्ती, नीली बत्ती, जो अब नहीं अलाउड है, तो वो वाली बत्ती वाली गाड़ियां मिलती थी पहले, तो उनकी एक लॉग बुक भी होती थी कि मतलब जो गाड़ी है वो कहां से कहां जाती है। वो गाड़ी केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए चलनी चाहिए, यानी कि जो अधिकारी है उसको सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और मतलब ऑफिस के काम से कहीं और जाने के लिए वो अलाउड है। इसके अलावा मतलब ऑफिसर के बीवी बच्चों को सब्जी मार्केट और इन सब कामों के लिए अलाउ नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है, उसका जो गाड़ी होती है उसका लॉग बुक बनता है, ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली, कहां से कहां गई, किस काम से गई, पसंद में आती है, तो उसका लॉग बुक होता है। सिमिलरली ट्रेन का भी लॉग बुक होता है, सिमिलरली वेसल का भी लॉग बुक होता है कि ये वेसल कहां से कहां को जा रहा है, इस बात का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, लॉग बुक कहते हैं। तो आप उस लॉग बुक को प्रोड्यूस करोगे, किसको? कौन प्रोड्यूस करेगा? पीआईसी पर्सन इन चार्ज। पूरा सेक्शन 29 किस पे है आपको बल्कि पूरा ही पता है, सेक्शन 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34, ये पूरा किस पे लगना है? ये लगना है पर्सन इन चार्ज पे और किसी पे नहीं लगना है। एक बात समझ आती है, पर्सन इन चार्ज मास्टर ऑफ वेसल प्रोड्यूस करेगा लॉग बुक, किसको प्रोड्यूस करेगा? नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को या फिर जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके ऑफिसर को प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात, साथ ही साथ ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, साथ ही साथ वो अलाउ नहीं करेगा, वो अलाउ नहीं करेगा, क्या अलाउ नहीं करेगा? अनलोडिंग ऑफ एनी गुड्स, यानी वेसल में से कोई भी गुड्स की अनलोडिंग परमिट नहीं करेगा, वो वेसल में से कोई भी जहाज में से वेसल में से कोई भी सामान उतारने नहीं देगा। साथ ही साथ जो भी पैसेंजर हैं उनको जहाज में से उतरने नहीं देगा, और जो क्रू है वो उसको लीव नहीं करने देगा, छोड़ने नहीं देगा विसिनिटी ऑफ वेसल, यानी कि सॉरी मतलब उतरने तो देगा, मतलब उतरने को मनाही नहीं है, उतर सकते हैं, लेकिन एक वेसल है उसकी विसिनिटी, यानी विसिनिटी क्या होता है, उसके आसपास का एरिया,
यानी वेसल के आसपास का एरिया को छोड़ने नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। ये नहीं कि अब जहाज का एक्सीडेंट हो गया, काम करो, हम तो चल रहे हैं अपने घर और मेरा घर पास में ही है, मैं निकल जाता हूँ, इस टाइप से कुछ व्यवस्था नहीं है। आपको क्या है कि वेसल की एक विसिनिटी है, यानी उसके 200-400 मीटर का एरिया, उसको आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, बात समझ आती है। तो क्या जिम्मेदारी पीआईसी के ऊपर, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, स्ट्रेस ऑफ वेदर होता है या अदर अनअवॉइडेबल कॉज होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो परमिट कर सकता है अदर देन कस्टम पोर्ट पे भी क्या करना, कॉल और लैंड करना किसका, वेसल और एयरक्राफ्ट का, ऐसा उसके पास किया जा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में उसको सबसे पहले फोन निकालना है और फोन निकाल के किसको मिलाना है, नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को। अगर नहीं मिलता है तो 100 नंबर डायल करना है, पुलिस स्टेशन फोन लगाना है और जो ऑफिसर आता है उसको लॉग बुक प्रोड्यूस करके चलना है। साथ ही साथ वो अलाउ नहीं करेगा, क्या अलाउ नहीं करेगा, आप किसी भी गुड्स का अनलोडिंग परमिट नहीं करेगा। साथ ही साथ पैसेंजर और क्रू को, पैसेंजर यानी कि जो उसमें बैठे हुए यात्री हैं उनको भी, और जो उस जहाज में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी क्या विसिनिटी छोड़ने नहीं देगा। यानी वेसल जहां है उसके आसपास का 100-200 मीटर, 300 मीटर का जो एरिया है उसको विसिनिटी बोला जा सकता है, यानी उसका लोकल रेंज जो बोल सकते हैं, जहाज जहां पर उसके 200 मीटर या 100 मीटर वो एरिया आपको छोड़ने नहीं देगा, उसके आगे आपको जाने नहीं देगा। ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हाउएवर फिर क्या होता है, इफ इट इज नेसेसरी, अगर ऐसा जरूरत हो जाता है, क्या जरूरत हो जाता है, फॉर द रीजन ऑफ, किस कारण से, हेल्थ सेफ्टी प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपके मतलब लोगों की सेहत की बात आ जाती है, उनकी सुरक्षा की बात आ जाती है। अब मान लो जहाज है, वो इतना बड़ा जहाज है कि वो अभी वो एक्सप्लोड कर सकता है, वो फट सकता है, वो मतलब उसमें आग लग सकती है, तो बताओ साहब, जहाज बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, पानी वाले जहाज बहुत बड़े होते हैं और इवन एयरक्राफ्ट भी बहुत बड़े होते हैं, अगर उसमें आग लगने की सिचुएशन, हम कहेंगे नहीं, विसिनिटी नहीं छोड़ेंगे, क्यों, सेक्शन 29 बोलता है। ठीक है, हम विसिनिटी नहीं छोड़ सकते, सेक्शन 29 बोलता है, तुम्हारे सेक्शन की ऐसी की तैसी यार, छोड़ना पड़ेगा, सेफ्टी की बात है, नहीं तो वो एक्सप्लोड करेगा, साथ में लोग भी जल जाएंगे या फिर मर भी जाएंगे। तो इस तरह से अगर हेल्थ किसी की तबीयत खराब हो जाती है, सेफ्टी की बात होती है, एक्सप्लोर करने वाला है, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी, इवन गुड्स को भी अगर नुकसान होने की सिचुएशन है, आग वोग लग सकती है उसमें, तो उस केस में जो पीआईसी है वो क्या कर सकता है, गुड्स को रिमूव कर सकता है और पैसेंजर और क्रू को अलाउ कर सकता है कि वो लीव कर दें, छोड़ दें क्या, विसिनिटी ऑफ वेसल को, वेसल और एयरक्राफ्ट की विसिनिटी को छोड़ के वो दूर चले जाए। इस केस में अगर हेल्थ सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ की बात, लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी की बात आती है, जान माल का खतरा होने का अगर आपको लगता है कि अभी हो सकता है, तो उस केस में आपके लिए सब कुछ लाभ है। आपके पास एक ही शब्द होना चाहिए कि भागो साहब, अपनी जान बचाओ, बस क्या शब्द होना चाहिए, भागो। ठीक है, क्या करना है आपको, तो आप गुड्स को भी रिमूव कर सकते हो और पैसेंजर और क्रू को भी अलाउ कर सकते हो लीव करना विसिनिटी को। ठीक है, तो सेक्शन 29 पूरा समझ में आता है साहब, क्या है कि मास्टर ऑफ वेसल है या फिर पायलट जो है एयरक्राफ्ट का, वेसल का मास्टर ऑफ वेसल, पायलट जो है एयरक्राफ्ट का, वो कॉल और लैंड परमिट नहीं करेगा अपने वेसल और एयरक्राफ्ट का ऑन एनी प्लेस अदर देन कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट। कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट को छोड़ के वो कहीं और अपने जहाज की लैंडिंग या कॉलिंग परमिट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है, स्ट्रेस ऑफ वेदर होता है, अदर अनअवॉइडेबल कॉज होते हैं, तो वो परमिट कर सकता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन सबसे पहले क्या करेगा, फोन उठाएगा और किसको फोन लगाएगा, कस्टम ऑफिसर को जो नियरेस्ट में होगा। अगर नहीं है कोई तो 100 नंबर पर फोन लगाएगा और पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को बुलाएगा, और बुलाने के बाद सबसे पहले क्या करेगा, लॉग बुक प्रोड्यूस करेगा, और लॉग बुक प्रोड्यूस करने के बाद वो साथ साथ उसके पास एक और जिम्मेदारी है, हिसाब से बाद नहीं बल्कि साथ साथ एक और जिम्मेदारी है कि साहब वो गुड्स को भी रिमूव नहीं करने देगा और पैसेंजर और क्रू को भी वो जहाज की विसिनिटी को छोड़ने नहीं देगा। लेकिन अगर हेल्थ सेफ्टी प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी की बात आती है, यानी जान माल का खतरा होता है, तो उस केस में उसके पास एक ही शब्द होना चाहिए, भागो, और वो गुड्स को भी रिमूव कर सकता है और पैसेंजर क्रू को विसिनिटी छोड़ने के लिए भी अलाउ कर सकता है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप सेक्शन आप देखेंगे, ये वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है और साथ साथ लिखा हुआ है कि पोर्ट और एयरपोर्ट पे आना है, कॉलिंग लिखा हुआ है, लैंडिंग लिखा हुआ है, यानी ये सेक्शन वेसल पे लगता है, एयरक्राफ्ट पे लगता है, कॉल शब्द यूज हुआ है वेसल के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए शब्द यूज हुआ है लैंड। ठीक है, तो उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ एयरपोर्ट लिखा हुआ है, ये पानी वाले के लिए लिखा हुआ है, ये हवाई अड्डे के लिए लिखा हुआ है। लेकिन साहब कहीं पे भी आपका देखें तो हम लैंड रूट से अगर हम ऐसी बात करें कि लैंड, अगर हम मान लो कि हमारा नेपाल का बॉर्डर है और हम किसी ऐसे रूट से आना चाहते हैं जहां पर कस्टम पोर्ट नहीं है, वहां ड्यूटी ड्यूटी की कलेक्शन नहीं होती और एक चोर वाला रास्ता है, जंगल जंगल के रास्ते हम इंडिया में लाना चाहते हैं सामान, तो क्या ऐसा हो सकता है? सेक्शन 29 तो कहीं मना नहीं करता कि आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है।
लेकिन अगर स्ट्रेस ऑफ वेदर होता है, सारी बातें ठीक है, तो ऐसा बात तो सेक्शन 29 नहीं किया था। सेक्शन 29 तो वैसे भी लगता है, एयरक्राफ्ट भी लगता है, ठीक है, बात समझ आती है। तो कहते हैं साहब बिल्कुल आप बात सही कह रहे हो, लेकिन ये लूपहोल नहीं है। कैसे लूपहोल नहीं है? आपको सेक्शन 29 तो नहीं रोकता, लेकिन एक सेक्शन है सेक्शन 111, वो आपको यहाँ पर रोक लेगा। कैसे रोकेगा? देखिए साहब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर गुड्स इम्पोर्ट किए जाते हैं, गुड्स इम्पोर्टेड अदर देन बाय अप्रूव्ड लैंड रूट, ठीक है ना, यानी कि जो रास्ते परमिट है लैंड से, मतलब अगर जमीन के रास्ते आवागमन के जो रास्ते परमिटेड हैं, जो रूट्स परमिटेड हैं आपको, अगर आप उनके अलावा किसी और रास्ते से गुड्स को इंपोर्ट करते हो इंडिया में, तो ऐसे गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी कि उस गुड्स को जब्त किया जा सकता है, उसको सीज किया जा सकता है, और सीजर के साथ साथ उसके जो ऑनरशिप है उसको उठा के ट्रांसफर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम में। उस इस एक्टिविटी को, यानी कि गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफर करना सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम में, इसे बोलते हैं कॉन्फिस्केशन। ठीक है, तो आपके ऐसे गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको लैंड रूट से भी अगर आना है, तो आपको पोर्ट और एयरपोर्ट पे ही आना है। सेक्शन 29 इसके लिए स्कोप छोड़ भले देता है, लेकिन सेक्शन 111 आपका स्कोप नहीं छोड़ता है, इसलिए स्मगलिंग पॉसिबल नहीं है। आपको आना है तो कहां आना है? लैंड और लैंड कस्टम स्टेशन, यानी कि अप्रूव्ड लैंड रूट से ही आना है, बात समझ में आती है। और अगर वैसे एयरक्राफ्ट है तो उनके लिए तो है ही कि कस्टम स्टेशन, कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट पे आना है। तो ये हो जाता है सेक्शन 29। अब आते हैं सेक्शन 30 की तरफ। देखिए साहब क्या है सेक्शन 30, फाइलिंग ऑफ आईजीएमआर पहले पढ़ चुके हो, तो देखो साहब क्या लिखा हुआ है। तो पर्सन इन चार्ज यानी मास्टर ऑफ वेसल, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा एनी अदर पर्सन, मास्टर ऑफ वेसल बोलने और एयरक्राफ्ट के तो पायलट की बात कर सकते हैं। और अगर लैंड वर्क के थ्रू अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस केस में भी आपका हम किस चीज की बात कर सकते हैं? ड्राइवर को बोल सकते हैं, या फिर उसके भी पायलट ही बोल दिया जाता है, ठीक है, उनकी बात कर सकते हैं। तो पर्सन इन चार्ज तो मास्टर ऑफ वेसल आ जाएगा, पायलट आ जाएगा, ड्राइवर आ जाएगा। एनी अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा कोई अदर पर्सन अगर है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर देती है, तो उसको भी, उसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। जनरली किसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई किया जाता है? नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर भी रखा है, जैसे कि सीएचए होता है, इसे हम बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट, इसको शॉर्ट में मतलब सीएचए, ये नया टर्म है, पहले इसको कस्टम ब्रोकर बोला करते थे, ठीक है, कस्टम हाउस एजेंट, कस्टम ब्रोकर, या इसको कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो शिपिंग कंपनी है जो शिप कर रही है, मान लो आपका यूएसए से माल इंडिया में लाया जा रहा है पानी के रास्ते, और उस केस में मान लो कि सपोज मतलब सर्वर काम नहीं कर रहा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, या मान लो फिर पानी में आ रहे थे, आपको से ही लैपटॉप था और लैपटॉप आपको गिर गया आपको इसमें पानी में, ठीक है, ऐसे कुछ दिक्कत आती है, और मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, या फिर छोटा वाला मोबाइल है, कुछ भी मतलब कुछ समस्या जाती है आपके पास, तो उस केस में क्या होता है कि जो मास्टर ऑफ वेसल है वो फोन कर सकता है किसे, जहां इंडिया में जो उसका उस शिपिंग कंपनी का भाई, वो जो मास्टर ऑफ वेसल है, जो जहाज चला रहा है, वो किसी ना किसी उससे शिपिंग कंपनी से एसोसिएटेड होगा, उसका जहाज होगा, और हो सकता है वो शिपिंग कंपनी ऑफिस इंडिया में हो, तो उस इंडियन ऑफिस जो है उसको वो फोन लगाएगा और कहेगा साहब कि आप जो है आईजीएम फाइल कर दीजिए, अदरवाइज मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, बिना आईजीएम फाइल के आप एंटर नहीं कर सकते इंडिया में, बात समझ आती है। तो आपको आईजीएम फाइलिंग के लिए वो मतलब फोन करके कह सकता है, इस तरह की बातें यहाँ पर आती है। तो पर्सन इन चार्ज यानी मास्टर ऑफ वेसल, पायलट जो होता है वो एयरक्राफ्ट का, या फिर ड्राइवर होता है जो अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो, तो उस केस में उसके ऊपर ये सेक्शन 30 लगता है। इसके अलावा कोई अदर पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, उसके ऊपर भी लगता है। किसको नोटिफाई कर रखा है? कस्टम हाउस एजेंट, जिसका कस्टम ब्रोकर भी कहते हैं, और जिसे हम कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी बोलते हैं, उसके ऊपर, या फिर जो शिपिंग कंपनी है उसका अगर कोई ब्रांच ऑफिस है इंडिया में, तो वो भी चाहे तो आईजीएम की फाइलिंग कर सकती है, ठीक है, अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है कि मतलब जैसे मैंने बताया सर्वर नहीं चल रहा है एक्सेट्रा, तो उस केस में आपका जो शिपिंग कंपनी है वो भी जाके मैनुअली फाइलिंग कर सकती है। बट मैनुअली फाइलिंग ऐसी नहीं होती, कमिश्नर ऑफ कस्टम से अप्रूवल लेनी होती है, बात समझ में आती है। चलो साहब फिर से बात करते हैं क्या है पर्सन इन चार्ज और अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर सीएचए, कस्टम ब्रोकर और ब्रांच ऑफिस ऑफ शिपिंग कंपनी इन इंडिया जो है वो आपका आईजीएम फाइल कर सकती है। कब करेगी? बिफोर अराइवल। बिफोर अराइवल कौन सा पॉसिबल है? एयरक्राफ्ट का और वेसल का। किसका? एयरक्राफ्ट का और वेसल का, उसका पॉसिबल है बिफोर अराइवल आईजीएम का फाइलिंग। बट अगर लैंड रूट से आ रहे हैं तो हम ड्राइवर से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो लैपटॉप निकल
निकालेगा, फटाफट अपना बाइजम फाइल कर देगा। तो उस केस में वहां पर 12 आवर आफ्टर अराइवल का टाइम दिया गया है और इसको बोलते हैं इम्पोर्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इम्पोर्ट रिपोर्ट, यानी आने के 12 घंटे के अंदर आप ले जाकर दे दो, आने के 12 घंटे के अंदर आप ले जाकर दे दो, तो हम उसको बोलेंगे इम्पोर्ट रिपोर्ट। और लैंड के लैंड से अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन होना है तो ये सेक्शन आपका अप्लीकेबल होता है। आईजीएम किसके लिए है, वेसल के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए, बात समझ में आती है। अब बात कहते हैं फाइलिंग किसको जाती है, तो फाइलिंग की जाती है प्रॉपर ऑफिसर को, फाइलिंग किसको की जाती है प्रॉपर ऑफिसर को, और कैसे की जाती है, मैनर क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग की जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पॉसिबल नहीं है तो कमिश्नर ऑफ कस्टम मैनुअली फाइलिंग ऑफ आईजीएम परमिट कर सकता है। किसके पास पावर है, कमिश्नर ऑफ कस्टम के पास पावर है मैनुअली। एक बात करूं पूरे कस्टम एक्ट में जहां भी इलेक्ट्रॉनिकली है तो इलेक्ट्रॉनिक को मैनुअली करने का पावर सिर्फ कमिश्नर ऑफ कस्टम के पास है, याद रखना, कभी आप कंफ्यूज मत होना। क्या है, अभी मैं आपको बोर्ड 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 4 बार बोला मैंने कि यहाँ पर बोर्ड भी पास पावर है, बोर्ड भी पास पावर है, क्योंकि कुछ यूनिक बात है, ठीक है ना। लेकिन जहां भी इलेक्ट्रॉनिक से मैनुअली परमिट करने की बात है वहां पे आपके पास पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर ऑफ कस्टम के पास है, पास मानती है। दूसरी बात, बिलेटेड आईजीएम, यानी कि अगर आपने आईजीएम नहीं फाइल किया या फिर आपने लेट से फाइल किया तो फिर क्या होगा, बिफोर अराइवल नहीं फाइल किया, आप आ गए हो अब फाइल कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, उसको बिलेटेड मान लेंगे और आपके ऊपर 50,000 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। मैंने क्या बोला, तक की पेनल्टी हो सकती है, यानी कि अप टू 50,000। अब वो तो प्रॉपर ऑफिसर की मर्जी है, वो चाहे तो 5,000 लाख छोड़ दे, वो चाहे तो 1,000 लाख छोड़ दे, वो आपके ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है अगर आपने लेट से फाइलिंग की है। किसके ऊपर इम्पोज करेगा, तो पर्सन इन चार्ज के ऊपर वो इम्पोज करेगा। ठीक है, बात समझ में आती है। दूसरी बात कहते हैं, अगर नो सफिशियंट कॉज शोन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, यानी कि अगर आपने प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं किया है अपने सफिशियंट कॉज देकर, आपके पास अगर कोई वैलिड रीजन ही नहीं है, फाइल नहीं किया क्यों पता नहीं था, ये कोई सफिशियंट कॉज थोड़ी होना होता है। ठीक है, फाइल नहीं किया क्यों मन नहीं कर लिया था, ये कोई सफिशियंट कॉज नहीं होता साहब, आपका मन नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर आपके पास वैलिड रीजन नहीं है, सफिशियंट कॉज नहीं है, अगर आप कोई सफिशियंट कॉज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर आप शो नहीं कर पाते हो, तो उस केस में मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 50,000 ऊपर आपके ऊपर लगाई जा सकती है बाय प्रॉपर ऑफिसर, और आपके ऊपर मीन पीआईसी यानी पर्सन इन चार्ज मास्टर ऑफिसर के ऊपर लगाई जा सकती है। अगली बात कहते हैं रिविजन ऑफ आईजीएम पॉसिबल है, क्या आप लेके आए उसमें डाटा आपने कुछ छोड़ दिया, बाद में आप चाहते हो उसमें डाटा को छोड़ देते, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज पॉसिबल तो है, यस पॉसिबल तो है, बट आपका देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, आपकी इंटेंशन फ्रॉड वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर AK-47 भर के लाए और आपने पहले नहीं बताया, बाद में कह रहे हो कि अच्छा रिवाइज कर देता हूं कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं आप कर सकते, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आती है। दूसरी बात, अब आप कहते हैं कि कंटेंट क्या क्या होंगे एक आईजीएम के अंदर, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे, तो देखो साहब पहले मैं बता दो, दो कॉपी फाइल होती है। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक होती है तो दो कॉपी से कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बता दूं पहले के टाइम के हिसाब से दो बनाया गया है, दो कॉपी फाइल होती है, प्रॉपर ऑफिसर रखता है और एक मास्टर ऑफ वेसल रखता है, तो डुप्लीकेट पे फाइल होती है। दूसरी बात, चार तरह की इसमें बातें आती है, पहला जनरल डिक्लेरेशन, दूसरा एक आता है और कार्गो का डिक्लेरेशन, एक आता है स्टोर लिस्ट और एक आती है प्राइवेट प्रॉपर्टी और पोजीशन ऑफ क्रू। ठीक है, सबको एक एक बार टेकअप करते हैं। जनरल डिक्लेरेशन, जनरल डिक्लेरेशन यानी सामान्य विवरण कह सकते हैं। ठीक है, सामान्य घोषणाएं कुछ करेंगे आप, क्या करेंगे सामान्य जनरल डिक्लेरेशन में, देखिए साहब आप वही हु जो मैंने बताया था, हु व्हेन व्हाट वेयर वाली बातें यहाँ पर आती है। नेशनलिटी ऑफ पीआईसी, जो पर्सन इन चार्ज है वो किस देश का है, ये आपको बताना होता है, इससे पता चलता है कि वो कौन है। अगर पाकिस्तान से है तो हम समझ सकते हैं ना एक बार, क्योंकि यार खतरनाक आदमी भी हो सकता है, तो वह समझ मानिए। तो ये है हु, कहां के हुआ, सिक्योरिटी पर्पस, नेम ऑफ वेसल, हर जहाज का एक नाम होता है, जैसे टाइटैनिक का इसका भी एक, हर एक जहाज का नाम होता है, तो इस तरह से इसका भी चेतक हो सकता है, जलपरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें का आपको जो नाम आपको बताना होगा वेसल का भी, ये भी हु से रिलेटेड है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए रिलेवेंट है हमारे लिए। अगली बार जैसे मैं बताऊँ आपको, नेवल वेसल होता है तो आपको पता है हमारे किस नाम का था, विक्रांत नाम का है। ठीक है, INS विक्रांत आपने सुना होगा, इंडियन नेवी का जो आपका जहाज है, जब मान ढोने का जहाज नहीं है, नेवी का जहाज है बट उसका भी नाम है। ठीक है, और पाकिस्तान का एक जो सबमरीन जिसका नाम था गाजी, ठीक है, पिक्चर विक्चर आपने देखे होंगे तो उस पर है, तो ये सारी चीजें हैं। तो हर जहाज का नाम होता है, तो वैसा लगा नाम। अगली बार कहते हैं लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल, यानी कि आप पिछले कहां रुके, ठीक है, जो जहाज है वो पहले कहां रुका, मतलब इससे पहले हमारे इंडिया ने पहले आप कहां पे लैंड किए थे, यानी आप कहां से आए हो, ये जानने के लिए पोर्ट ऑफ अराइवल, पोर्ट ऑफ अराइवल कहां पर आ रहे हो, पोर्ट ऑफ अराइवल कहां पर आ रहे हो आपको वो बताना होगा, केरला पे या मुंबई पे या फिर कलकत्ता, जो भी है आप कहां पर आ रहे हो आपको ये बताना पड़ेगा। अगली बात कहते हैं डेट ऑफ अराइवल, कब आ रहे हो और टाइम ऑफ अराइवल इसी में आ जाता
ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल आपका यहाँ पर आ जाता है कि कौन से डेट पे कितने बजे आ रहे हो, ताकि हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की समस्या को हल कर सके। बात समझ आती है? तो जनरल डिक्लेरेशन क्या देना है, हु व्हाट व्हेन वेयर वाली बात है। और अगली बात कहते हैं स्टोर लिस्ट, यानी कि आपके पास स्टोर क्या क्या है, स्टोर में क्या क्या आता है, खाने पीने का सामान, ठीक है, चाहे वो जहाज के खाने पीने का हो, चाहे वो जो अंदर पैसेंजर क्रू है उनके खाने पीने का हो, ठीक है। बात समझ आती है? बड़ी सिंपल सी बात। तो जहाज अगर तेल खाता है, मतलब तेल पीता है, और उसके साथ वो टूल्स और ये सारी चीजें यूज करता है, तो वो सारी चीजें स्टोर लिस्ट में आएंगी। साथ साथ जो इंसान अंदर पैसेंजर हैं, क्रू हैं, उनके खाने पीने का सामान भी स्टोर लिस्ट में आता है, इसका भी आपको डिटेल देना पड़ता है आईजीएम में। इसके बाद कार्गो की डिक्लेरेशन देनी होती है। कार्गो की डिक्लेरेशन ध्यान दीजिए, एक सेपरेट मेंशन करना होता है। कार्गो की डिक्लेरेशन आपको सेपरेट मेंशन करना पड़ता है कि अगर आपके पास कोई आर्म्स है, हथियार है, एम्युनिशन है, कोई एक्सप्लोजिव है, गोल्ड है, सिल्वर है, यानी कि ज्यादा कीमत वाले आइटम है, और एक्सप्लोजिव एम्युनिशन मतलब कुछ आपके पास अगर खतरनाक सामान है, तो उसका आपको सेपरेट डिक्लेरेशन देना होता है, सेपरेट मेंशन करना होता है। कार्गो में एक सेपरेट सेक्शन होता है, उसमें आपको मेंशन करना होता है। इसके अलावा कार्गो में आपको लैंडिंग कार्गो, यानी वो कार्गो, वो माल आपका जो वहां पे पोर्ट पे उतरेगा, और उसको या तो वेयरहाउस में ट्रांसफर किया जाएगा, या तो उसको इम्पोर्टर छुड़ाएगा, क्लियर कराएगा, उसे बोलते हैं लैंडिंग कार्गो, जो आपका पोर्ट पे उतरने वाला है। दूसरी बात, गुड्स इन ट्रांजिट, वो कार्गो जो आपका पोर्ट पे नहीं उतरने वाला, वो जहाज में ही रहेगा और फिर कहीं और निकल जाएगा। बात समझ आती है? देखो क्या होता है, मान लो यूएसए से माल चल रहा है, तो सिर्फ एक इंपोर्टर भाई, ऐसा भी बहुत बड़े जहाज का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मैं क्या बोलूं, बहुत बड़ा होता है, यानी उसके अंदर 100-150 मतलब क्या बोलूं 100-200-500 कंटेनर आ सकते हैं, ठीक है। अब सोचो ना, एक इंपोर्टर कितना माल मंगा लेगा, एक कंटेनर भी नहीं मंगा पाएगा वो। बात समझ आती है? एक कंटेनर भी माल नहीं मंगा सकता वो। तो जहाज होते हैं वो सबका माल लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है उसमें से कुछ आपको दूसरे जगह ले जाना हो, दूसरे देश में ले जाना हो, कुछ आपको एक दो कंटेनर आपको इंडिया में अनलोड करना हो, और कुछ आपको दूसरे देश में ले जाना हो। बात समझ आती है? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आते हैं गुड्स इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट का। ध्यान से सुन लेना, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है, वो मान लो कि एक जहाज आया, नाम ले लेते हैं उसका चेतक, ठीक है, चेतक में माल आया 100 कंटेनर का, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा माल है जो आपका इंडिया में लोड होगा, और बाकी माल आपका इंडिया में लोड नहीं होगा, श्रीलंका जाएगा। बात समझ में आती है? तो वो जहाज आपका जो है वो आएगा, सिर्फ अपना सामान उतारेगा और बाकी सामान लेके चल जाएगा। यानी मान लो उसमें 100 कंटेनर है, 30 आपके यहाँ उतरने वाले हैं इंडिया में, और वहीं पे वो क्लियर हो जाएंगे, तो वो 30 कहलाएंगे लैंडिंग कार वो, क्योंकि वो इंडिया में ही, इंडिया के किसी पर्सन ने मंगाया है, इंडिया में इम्पोर्ट किया गया है, तो ये 30 आइटम उतारेगा और बाकी जो 70 कंटेनर है वो लेके चल जाएगा। बात समझ आती है? तो वो कहलाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। क्या कहलाएगा? गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि वो सामान आपका शिप मतलब पोर्ट पे उतरेगा ही नहीं। बात समझ आती है? उतरेगा ही नहीं। चेतक आया, चेतक में सामान थे 100 में से 30 उसने उतारा, ये 30 है लैंडिंग कार्गो, 70 जो है गुड्स इन ट्रांजिट है। आप बताओगे 70 कंटेनर में बस गुड्स इन ट्रांजिट का है, इसका डिक्लेरेशन आपको देना होगा। गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, मान लो चेतक आया, ठीक है, 100 कंटेनर थे, 30 इंडिया में वो होने थे, और आपके बाकी जो थे वो श्रीलंका जाने थे, लेकिन वो चेतक ले जाने वाला नहीं था। मसलन बात है, चेतक लेके जाने वाला नहीं था, अब वो इंडिया से किसी दूसरे वेसल में लोड होंगे और फिर वो श्रीलंका जाएंगे। अगर ये सिचुएशन है तो एक बात बताओ, पहले 100 उतरेगा, ठीक है, चेतक फ्री हो जाएगा, अब दूसरी गाड़ी आएगी और उसमें फिर 70 लोड होगा, फिर जाएगा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। अब बताओ गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट बताना जरूरी है, रीजन वाय, ट्रांजिट में तो कोई समस्या नहीं, सामान आएगा मतलब जहाज आएगा, खड़ा रहेगा, और उसमें से जो सामान आएगा उसमें से जितना लैंडिंग कार्गो है वो उतारेगा, बाकी तो जहाज में पड़ा रहेगा चेतक में ही। लेकिन अगर ट्रांसशिपमेंट का केस है तो फिर यहाँ पे समस्या आती है, क्योंकि पूरा का पूरा आइटम वहां पर उतरेगा, सारा माल यहाँ पे उतरेगा, फिर आपका पोर्ट बिजी हो जाएगा उस समय। ना समझ आती है? जब 100 कंटेनर उतरेंगे तो पोर्ट आपका बिजी हो जाएगा, और फिर उस केस में फिर अगला जहाज आएगा उसमें लोड होगा, तब जाके आपका पोर्ट फ्री होगा। तो ट्रांसशिपमेंट होता है तो उस केस में पोर्ट के पास समस्या आ जाती है। तो कुल मिलाकर गुड्स इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट में कोई अंतर नहीं है। ट्रांजिट में क्या होता है, आपका वेसल सेम रहता है, बात समझ आती है, लेकिन जाना उस 30 कंटेनर उतरा, 70 कंटेनर जाना श्रीलंका ही है,
ठीक है, सेम ट्रांसशिपमेंट में भी 30 कंटेनर लैंडिंग कार्गो होगा और बाकी आपका 70 कंटेनर वो आपको जाना श्रीलंका ही है, लेकिन वेसल चेंज होगा। जब वेसल चेंज होगा ट्रांसशिपमेंट में, किसमें चेंज होगा? ट्रांसशिपमेंट में, ट्रांसिट में चेंज नहीं होगा। ट्रांसशिपमेंट में जब वेसल चेंज होगा तो एक बार को सारे गुड्स उतारने पड़ेंगे, फिर दूसरे से वेसल में लोड करने पड़ेंगे, इस दौरान आपका पोर्ट बिजी हो जाएगा। तो इसलिए दो कॉन्सेप्ट है, गुड्स इन ट्रांसिट एंड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। तो जो आपका माल इंडिया में इंपोर्ट किया गया है और उसको इंपोर्टर यहाँ का क्लियर कराएगा, उसके रिस्पेक्ट में उसको बोलते हैं लैंडिंग कार्गो। ठीक है, इसके अलावा गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, जो वेसल में ही रहना है और सेम वेसल में ही रहना है। चेतक आया, चेतक यहाँ 30 उतारा, 70 लेके आगे चला गया। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट, चेतक आया सारा उतारा, फिर उसमें से 30 लैंडिंग कार्गो हो गया और 70 बचा वो लेके चला गया। वो आपका जो है दूसरा कोई वेसल आया, मान लीजिए कोई गरुड़ नाम का वेसल आया और उसमें लोड हुआ और फिर वो आगे लेके श्रीलंका गया, तो पोर्ट बिजी हो जाता है हमारा गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट में, याद रखेगा। अगली बात, अनअकंपनीड बैगेज। एक होता है अकंपनीड बैगेज, एक होता है अनअकंपनीड बैगेज। क्या होता है अकंपनीड बैगेज? जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो एक बस्ता लेके जाते हो, उसे बोलते हैं अकंपनीड बैगेज, क्योंकि आप लेके कैरी कर रहे हो। एक होता है अनअकंपनीड बैगेज, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप अभी दिल्ली में रह रहे हो और आप बहुत सालों से हॉस्टल में रह रहे हो, आपने पढ़ाई वढ़ाई की और सोचते हो कि अब मैं काम करता हूँ, सीए फाइनल पेपर देने घर से दूंगा, या फिर आप सीए बन जाते हो और सोचते हो मैं प्रैक्टिस अब घर से करूंगा। तो अब आपने सारी किताबें उताबे बोरिया बिस्तर बांधते हो, अब देखते हो यार ये तो मेरे से उठ नहीं रहा, मेरे वजह से भी ज्यादा किताबें हैं, अब क्या करोगे आप? तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कोरियर बना के पहले अपना बैग भेज दोगे, ठीक है, बुक का अपना कोरियर बना के कोरियर कर दोगे घर के लिए, और फिर आप बाद में आओगे या फिर आप चले जाओगे अपने दोस्त से भिजवा लोगे, तो उसे बोलते हैं अनअकंपनीड बैगेज। ठीक है, आप अपने पीठ पे लेके नहीं आ सकते, ठीक है, तो आपने उसको कोरियर कर दिया तो उसे बोलेंगे अनअकंपनीड, क्योंकि वो आपको कंपनी नहीं दे रहा। ठीक है, तो अनअकंपनीड बैगेज है तो उसका भी आपको डिटेल देना है, बात समझ है। अगली बात, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन पोजिशन ऑफ क्रू, यानी जो पैसेंजर, जो क्रू है, जो जहाज का क्रू है, जो क्रू है वो जो मतलब कर्मचारी है जहाज का, उसके पास कौन कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, वो भी उसको बताना है। कि मान लो कोई जहाज का क्रू है, उसके पास कैमरा है, उसके पास लैपटॉप है, तो वो सारी डिटेल भी आपको देनी है, ध्यान दीजिएगा। उसके घर पे क्या पड़ा हुआ है उससे लेना देना नहीं है। इन पोजिशन, इन पोजिशन यानी जहाज में, वेसल में उसके पास क्या है उसकी डिटेल आपको देनी है, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे आपका आईजी का डिस्कशन खत्म होता है, थैंक यू। तो ओके, जैसे आपने आईजीएम डिलीवर किया, सेक्शन 30 के अंदर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया और उसका सेक्शन ऑब्वियसली बात है अमेंडमेंट सेक्शन है, तो यहाँ पे ए करके लिखा गया है, 30A नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, अमेंडमेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या इन्होंने कहा, जैसे आपने आईजीएम आया, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आया, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि अब पर्सन इंचार्ज को क्या देना होगा, एक और सामान देना होगा, क्या देना होगा, डिलीवर करना होगा प्रॉपर ऑफिसर को क्या, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, यानी जो पैसेंजर एंड क्रू अराइव हो रहे हैं, आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उनका भी एक मैनिफेस्ट यानी कि डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंटेशन देना होगा। साथ ही साथ पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अराइविंग पैसेंजर, यानी जो पैसेंजर आपके इंडिया में अराइव हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनका नेम का रिकॉर्ड भी आपको अराइवल मैनिफेस्ट तो देना ही देना होगा, पैसेंजर को अराइवल मैनिफेस्ट तो देना ही देना होगा। साथ में जो पैसेंजर इंडिया में आ रहे हैं उनके नेम का रिकॉर्ड, नेम रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन भी देना होगा, भाषण मारती है, ये देना होगा। उसका फॉर्म पर्टिकुलर मैनर टाइम सब कुछ प्रिस्क्राइब किया जाएगा, किस फॉर्म में देना होगा, कितने समय में देना होगा, किस टाइम में दिया, कितने टाइम में देना होगा, किस मैनर में देना होगा, यानी ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल, बहुत सारी चीजें, क्या क्या उसमें पर्टिकुलर्स मांगे जाएंगे, जैसे इसमें तो नेम मांगा ही जाएगा ऑब्वियसली बात है, बट मैनिफेस्ट में क्या क्या पर्टिकुलर्स मांगे जाएंगे, वो सारी डिटेल भी आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रूल्स बनाए जाएंगे और उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि क्या जानकारी आपको देनी है। इस प्रकार के पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट में और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में, ठीक है ना, ऑफ अराइविंग पैसेंजर, ध्यान दीजिएगा जो इंडिया में पैसेंजर आ रहे हैं उनकी डिटेल, आपका नाम में डिटेल आपको देना है। कब देना है? एयरक्राफ्ट वैसे के केस में आपको देना है बिफोर अराइवल, जैसे आईजीएम की फाइलिंग होती है बिफोर अराइवल, वैसे इसकी भी आपको करनी है बिफोर अराइवल। और अगर आप उससे व्हीकल से आते हो तो व्हीकल से आते ही देनी है, यहाँ 12 घंटे का प्रोविजन नहीं है, कान खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ पर पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट में और पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट में और दूसरी बात आपकी ये कि जो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है इसको देने में आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है ऑफ 12 घंटे वाली, यानी कि
आपको आने के 12 घंटे के अंदर नहीं देना है, आते ही देना है, आते ही देना है। ये वाले ध्यान दीजिएगा, अपॉन अराइवल ऑफ व्हीकल आपको ये देने लेकर चलना है। और अगर पीआईसी ये डिलीवर नहीं करता है प्रॉपर ऑफिसर को, उसके पास कोई सफिशियंट कॉज भी नहीं है ऑफ नॉट डिलीवरिंग द सेम, देन उसकी सिचुएशन में उसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज लगाई जा सकती है। बात सुना दिएगा, ठीक है साहब। तो ये छोटा सा सेक्शन था जो अमेंडमेंट के थ्रू आया, बाकी सारी बातें वही सेक्शन, बहुत ही सिंपल तरीका सा है, जो आपने वहां पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं यहाँ पे, और उतने ही सेक्शन थे, वो छोटे छोटे सेक्शन थे बहुत, उसको देख लीजिए एक बार। सेक्शन 31 क्या कहता है, आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे एंट्री इनवर्ड वाली बात है, ठीक है। ये जैसे मतलब इंडिया के पास आ जाता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है ग्रुप को अनलोड करने के लिए, किसको, पर्सन इंचार्ज को। तो पर्सन इंचार्ज नहीं परमिट करेगा, नॉट परमिट, परमिट नहीं करेगा, क्या परमिट नहीं करेगा, अनलोडिंग, अनलोडिंग किस चीज की, गुड्स की, अनलोडिंग ऑफ गुड्स को परमिट नहीं करेगा पर्सन इंचार्ज मास्टर ऑफिसर, अनलेस एंड अंटिल, जब तक कि आपको एंट्री इनवर्ट इज ग्रांटेड बाय पीओ, प्रॉपर ऑफिसर द्वारा आपको एंट्री इनवर्ट ग्रांट नहीं कर दिया जाता, तब तक आपका पीआईसी जो है वो अनलोडिंग ऑफ गुड्स परमिट नहीं करेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, और प्रॉपर ऑफिसर तब तक आपको एंट्री इन वर्ड ग्रांट नहीं करेगा जब तक आपने आईजीएम फाइल ना कर दी हो, और अगर आपने आईजीएम फाइल नहीं की है तो उस केस में आपको पता है अगर वैलिड रीजन होता है तो कोई इश्यू वाली बात वहां पर नहीं होती है, अदरवाइज शिफ्ट होने की पेनल्टी लग जाती है। तो कह रहे हैं वहां पर आपको वैलिड रीजन है ऑफ नॉट डिलीवरिंग इट, या तो आपने फाइल कर दी है या फिर आपके पास वैलिड रीजन है कि आप उसको क्यों डिलीवर नहीं कर पाए, तो उस केस में आपका जो है वो आपको ग्रांट करके चलेगा। तो अगर आपने फाइल नहीं की है और आपको उसको वैलिड रीजन भी नहीं है तो आपको इंडियन वर्ड ग्रांट नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आती है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सेशन जो है वो केवल और केवल आपका वैसा के केस में अप्लीकेबल है, एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। रीजन वाय, एंट्री इन वर्ड, एक बात बताओ ना, अब क्या हवाई जहाज आके पहले वेट करेगा प्रॉपर ऑफिसर से पूछेगा, और फिर अगला प्रॉपर ऑफिसर पता चले रास्ते में आधा घंटे उसको आने में लगेगा, उतने में तो जहाज अगला टेक ऑफ ले लेगा। बात समझ में आती है। तो जहाज के केस में ये नहीं अप्लीकेबल है, सिमिलरली व्हीकल के केस में भी अप्लीकेबल नहीं है, वहां पर भी आपको कोई किसी प्रकार की एंट्री इन वर्ड लेने की तो नहीं पड़ती है। तो यहां पर आपका ये सेक्शन केवल और केवल वेसल के केस में एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पढ़ाते समय वहां पे भी बोला था कि कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको आप अनलोड कर सकते हो बिना परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर के भी। वो कौन कौन से आइटम है देखिए साहब, मेल बैग्स यानी जो कोरियर आता है, वो सारी चीजें, कोरियर जो आता है अगर विदेश से कोरियर आ रहा है तो उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम वाली चीज होती है, जितना जल्दी कोरियर पहुंचे उतना अच्छा। वैसे भी विदेश से आ रहा तो वैसे बात है लेट होता होगा, हमारा तो एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो डिले हो जाता है कुछ हद तक। तो यहाँ पे भी बात है तो विदेशों का वाली बात है तो महीने लग जाते हैं टाइम आने में, तो इस तरह की चीजें हैं। तो मेल बैग को रोकना और उचित नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई। एनिमल की बात कर लेते हैं। अब आप जहाज है उसको भाई तुम्हें पता, अभी मैंने बताया कि जब डेट मिलता है, टाइम मिलता है कि 2 दिन बाद आना, 3 बजे आना, ठीक है, बताओ उस समय तक एनिमल को अंदर रोके रहना ये भी उचित नहीं है। वो अंदर क्या क्या कर देंगे, कचरे कर देंगे, और हो सकता है उनकी तबीयत भी खराब हो जाए, वो बीमार हो जाए, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। पेरिशेबल गुड्स, अब दूध ला के आप रखे हुए हो अंदर पड़ा हुआ है, या फिर मान लो कोई फल सब्जियां हैं जो आप अंदर ला के रखे हुए, तो 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आपको उन गुड्स अनलोड कर पाओगे, चले उतने में तो खराब हो जाएगा, तो इसलिए पेरिशेबल गुड्स का भी अनलोडिंग परमिट किया गया है बिना किसी दिक्कत के। बैगेज की बात कर लें, तो बैगेज को भी हटाना इन्होंने अलाउ किया है, जैसे मेल बैग को किया वैसे इन्होंने कहा बैगेज जो आपके पास आपके साथ है बैग उसको भी आप ले जा सकते हो। साथ ही साथ हैजार्डस गुड्स जो है, अगर कोई ऐसा आइटम है जो नुकसान पहुंचा सकता है, आर्म्स एंड एमिनेशन ऐसी चीजें हैं, या फिर कोई केमिकल एक्सेट्रा है, वो आपको अगर नुकसान दे है तो उसको आप रिमूव कर लो, उसको जहाज में खुला मत छोड़ो, क्योंकि आप मतलब पूरा क्या बोलते हैं पूरे कस्टम डिपार्टमेंट और पूरे उसको पूरे पोर्ट एरिया भी आप मतलब परेशान कर दोगे, तो इसलिए आप उनको हटा सकते हो। तो इसका आप निमोनिक बना सकते हैं MBAHP, ठीक है, MBA मतलब HP से आपने MBA किया, लाइक दिस कुछ ऐसा बना सकते हो MBAHP। M फॉर मेल बैग, MB फॉर बैगेज, और MBA फॉर एनिमल, H फॉर हैजार्डस, एंड P फॉर पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। तो MBAHP को अगर आपको वेसल्स निकालना है तो उसके लिए आपको कोई एंट्री इन वर्ड की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको एंट्री इन वर्ड की जरूरत पड़ती है। किसके ऊपर लगता है, सिर्फ वेसल पे लगता है, इसके अलावा किसी भी यानी कि ना ही व्हीकल पे और ना ही एयरक्राफ्ट पर लगता है। और IGF वो मतलब पर्सन इंचार्ज पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनलोडिंग परमिट नहीं करेगा जब तक एंट्री इन वर्ड ना मिल जाए, और एंट्री इन वर्ड कब तक ग्रांट नहीं होगा, जब तक IGF आपने फाइल ना कर दी हो या फिर आपके पास सफिशियंट कॉज ना हो कि
मतलब आपके पास या तो सफिशियंट कॉल्स ना हो डिलीवर करने का, तो उस केस में आपका एंट्री वर्क ग्रांट नहीं हो सकता अगर सफिशियंट कॉल्स नहीं है और आपने आईटीएम फाइल नहीं की है। तो सेक्शन 31 आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है वेरी इजी। सेक्शन 32 यानी जो गुड्स मेंशन किए गए आईटीएम केवल वही आपके अनलोड किए जाएंगे, इसके अलावा कोई और गुड्स आपके अनलोड नहीं किया जा सकते। जितना बोला मैंने वही सेक्शन है। इम्पोर्टेड गुड्स कैन नॉट बी अनलोडेड अनलेस दे आर मेंशन्ड इन आईजीएम। जब तक आईजीएम में आपने नहीं बोला तब तक इम्पोर्टेड गुड्स आपके अनलोड नहीं किए जाएंगे। सेक्शन 33 ये कॉमन सेक्शन है, ये आपका इम्पोर्ट पे भी लगता है और एक्सपोर्ट पे भी लगता है। सिमिलरली 34 जो है वो भी आपका इम्पोर्ट पे भी लगता है, एक्सपोर्ट पे भी लगता है। पढ़ लीजिए सेक्शन 33, जितने बहुत छोटा छोटा सेक्शन है। पहला, नो इम्पोर्टेड गुड्स या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स लोडेड या फिर अनलोडेड, इन एक्सपोर्टेड गुड्स को लोड नो इम्पोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड, यहाँ टीईडी नहीं रहेगा सॉरी, क्या कहते हैं, नो इम्पोर्टेड गुड्स यानी कि जो आपने गुड्स इम्पोर्ट किए हैं उसको अनलोड नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी बात, जो आप एक्सपोर्ट गुड है यानी वो गुड जो एक्सपोर्ट किए जाने हैं, किए नहीं गए, एक्सपोर्टेड मैंने ईडी क्यों मिटाया, एक्सपोर्टेड मतलब एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं, एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं, चुके नहीं है एक्सपोर्ट गुड यानी एक्सपोर्ट किए जाने हैं, ठीक है, आर टू बी एक्सपोर्टेड, तो एक्सपोर्ट गुड्स जो है वो लोड नहीं किए जाएंगे कहां, एट एनी प्लेस अदर देन अप्रूव्ड प्लेस यानी डॉक एरिया, जो आपका एरिया कस्टोडियन के पावर में होता है, कस्टोडियन के पावर में होता है, उस एरिया के अलावा किसी और एरिया से आपका आपकी लोडिंग या अनलोडिंग या फिर अनलोडिंग नहीं की जाएगी। इंपोर्टेड गुड्स की अनलोडिंग नहीं की जा सकती अदर देन अप्रूव्ड एरिया, ठीक है, कस्टोडियन के पास जो एरिया है उसका क्षेत्र अधिकार है, उसके बाहर आप कहीं अनलोडिंग नहीं कर सकते। सिमिलरली एक्सपोर्ट गुड्स का लोडिंग भी आप अप्रूव्ड एरिया के अलावा कहीं और नहीं कर सकते। अगली बात करते हैं सेक्शन 34, गुड्स नॉट टू बी लोडेड और अनलोडेड, सेम बात वही, एक्सपोर्ट लोडेड अनलोडेड, लोडेड किस लिए लिया है, एक्सपोर्ट गुड्स के लिए, और अनलोडेड लिया हुआ है इंपोर्टेड गुड्स के लिए, एक्सेप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर, यानी कि अगर जो भी आपको लोडिंग अनलोडिंग करनी है वो सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर में करनी है। रीजन मैंने बता दिया आपको, आईजीएम से वो मैच करता है, और जो आपके आइटम आईजीएम में मैच लिखे हुए नहीं है उसकी आप अनलोडिंग नहीं कर सकते, ये आपको बोलता है सेक्शन 32। तो आपके सारे सेक्शन 29, 30, 31, 32, 33, 34 अब मुझे लगता है आपको टिप्स पे भी याद होंगे, तो कोई इशू नहीं है। और आज के लिए जो ये रिविजन लेक्चर है वो यहीं पे बंद करते हैं, और अगला आपको पार्ट मिलेगा रिविजन लेक्चर पार्ट 3 के नाम से या सीक्वेंस 3 के नाम से। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मैं आपको पूरे कस्टम का रिवीजन कराऊंगा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपके पास जो भी इश्यू आते हैं और आपके जो भी कंसर्न है और आपको जैसा भी लगा ये वीडियो उसके रिगार्डिंग। थैंक यू।